आज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितेंद्र, मैं आपका माइक म्यूट कर दे रहा हूं। आज हमारे वेबिनार पे हम लोग बनाना फिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करेंगे और आज इस वेबिनार को समय, अपने कीमती समय, संडे के समय निकाल के जितने भी हमारे साथी आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हमारे तरफ से, के प्लेसेस की तरफ से आप सब लोगों को हमारे शुभकामनाएं। तो आज जो है इस वेबिनार में के प्लेसेस के जो साथी हैं उनके उनके साथ साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं, मेनली महाराष्ट्र से, गुजरात से और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से, जितने भी हमारे कस्टमर्स जो केले की खेती से जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो आगे का जो 1 या 1.5 घंटे का जो डिस्कशन होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उस डिस्कशन से आप लोगों को कुछ नए टिप्स मिले दिया जाएगा केले की खेती में। और एक थोड़ा सा, आप तो हमसे, हम सबसे एक्सपर्ट हैं आप केले की खेती में, उसके बावजूद भी थोड़ा ये इस तरह का कुछ साइंटिफिक डिस्कशन होने से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें हम लोगों को फाइन ट्यून होने का मौका मिलता है और अपने अपने जो खेत में जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें थोड़ा रिव्यू करने की कि भाई हम जो करते हैं उसमें क्या कोई 19-20 का कोई बदलाव करने का कोई मौका है। तो उस तरह की सारी चीजों को एक बार रिव्यू करने का हमें मौका मिलता है इस तरह के वेबिनार से। तो आज के वेबिनार पे हम लोग केले की फिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे हम लोग फोकस करेंगे। मैं केले की खेती की डिस्कशन शुरुआत करने से पहले मैं अपना के प्लेसेस कंपनी के बारे में थोड़ा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे वेबिनार में पहली बार हमारे जो साथी हैं, किसान साथी हैं महाराष्ट्र से, और हमारे जो गेस्ट हैं, चाहे वो डीलर गेस्ट हैं या हमारे कुछ इनवाइटीज हैं, महाराष्ट्र से पहली बार जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मौके को थोड़ा सा के प्लेसेस को की बारे में जानकारी देने के लिए भी थोड़ा सा समय दिया जाए। तो के प्लेसेस एक जर्मनी का कंपनी है। के प्लस एस मतलब काली उन जॉल्स। काली का मतलब है पोटेशियम। अगर पोटेशियम की अगर साइंटिफिक नाम देखा जाए तो काली का नाम काली या कैलियम बोलते हैं पोटेशियम को, और उनजॉल्स मतलब पोटेशियम हमारा खुद का एक नमक है या एक खुद का मिनरल है या खुद का माइन है। अगर आप इस फोटो देख रहे हैं आप सब लोग, तो हमारे जो माइनर हैं, हमारे जो पोटेश का जो एक पत्थर को लेके दिखा रहे हैं, तो इसका ये एक प्रतीक करता है कि हमारा खुद का पोटेश का माइंस है। अगर देखा जाए तो के प्लेसेस की जो माइंस हैं उसमें ये हमारे के प्लेसेस के माइंस हैं, कम से कम 6 जगह में पोटेश के माइंस पाया जाते हैं, जिसमें सिर्फ पोटेश का खाद नहीं, पोटेश मतलब आप सब लोग पोटेशियम क्लोराइड से जाने जाते हैं, मगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ हमारा जो मेन खाद है जिससे के प्लेसेस पूरा विश्व भर जाना जाता है वो है सल्फेट ऑफ पोटैश, पोटेशियम सल्फेट। इसके साथ ही हमारे जो माइंस हैं जो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ मिला हुआ माइंस हैं अलग अलग जगह में जर्मनी में, और साथ ही हमारे एक माइन कनाडा में भी है। तो इन माइंस से एक तो पोटेशियम क्लोराइड जो MOP पोटैश खाद जो बोलते हो, उसमें हम लोग पूरा विश्व भर पोटैश सप्लाई में 4th नंबर पर हम लोग पूरा पोटैश की मांग पूरी करने पे खड़े हैं 4th नंबर पर। अगर आप पूछते हैं कि बाकी जो 1, 2 या 3 नंबर पे कौन है, तो उसपे कोई इकलौता कंपनी नहीं है, 2-3 कंपनियों का समूह बन के, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो रशिया से या यूरोप से हो, या तो उस तरह के समूह बन के वो पोटैश के सप्लाई में 1, 2 या 3 नंबर पे खड़े हैं। मगर के प्लेसेस एक ऐसा कंपनी है जो एक इकलौता कंपनी पूरा विश्व भर के
चौथे नंबर पे पोटैश सप्लाई करने की जगह रखता है। तो ये है केपलेसिस का। और इसमें जितने भी खाद हम लोग सप्लाई करते हैं, चाहे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और हमारे एक चुनौती प्रोडक्ट्स हैं जो पेटेंट काली या एप्सोटॉप करके या एप्सोटॉप विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं हम लोग पिछले 150 साल से पूरा यूरोप, अमेरिका जैसे खंडों में या देशों में हम लोग सप्लाई करते आए हैं। और उसका उस सप्लाई कर वहां पे हम लोग सक्सेसफुल होने का एक मेन वजह यही है कि जितने भी खाद हम लोग जो बना रहे हैं वो कोई फैक्ट्री में बन के नहीं आते, वो सीधा नीचे जमीन के नीचे 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे जाके, मतलब 1.5 से 2 हजार मीटर नीचे जाके, धरती से नीचे जाके वहां से खुदाई करके हम लोग ऊपर ले आते हैं। ऊपर लेके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे अगर कोई नमक वाली बात है, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह चीजों को प्यूरिफाई करके एक नेचुरल प्रोडक्ट को थोड़ा सिंथेसिस करके, मतलब प्रोसेस करके एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर हम लोग इसको लाते हैं। तो इसीलिए हमारे जितने भी ये जो खादें हैं जो जर्मन माइन से जो लाया जा रहा है, वो सारे खादों का एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मतलब इसको हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी यूज करते हैं। तो क्या ये कोई बड़ी बात है अगर आप मेरे को पूछते हैं? तो यूरोप या अमेरिका जैसे राज्यों में फर्टिलाइजर तो यूज करते हैं, मगर खासकर यूरोप जैसे कंट्रीज में क्या है कि वहां पे नेचुरली ही, मतलब बाय प्रैक्टिस ही वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मिट्टियों में जो ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो 5% से कम तो कहीं होता ही नहीं है। तो उस तरह के स्टेट्स कंट्रीज में ये जो खादों का जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को एज ए फर्टिलाइजर ना सोच के एज ए ऑर्गेनिक सोर्स ही उसको कंसिडर करने में उसका एक अहम रोल होता है। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि यहाँ जर्मनी या यूरोप में जिस तरह का खेती, चाहे वो सब्जियों का या फ्रूट्स का या अदर फसलों का, ज्यादातर खेती वहां पे ये जो ग्रीन हाउसेस या हाइड्रोपोनिक्स या वर्टिकल फार्म्स, इस तरह का एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से वहां पे होता है। और वहां पे जब खेती करते हैं तो उसके जो फर्टिलाइजर्स की जो जरूरत होती है उसमें एकदम हाई प्यूरिटी की खाद की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप फर्टिगेशन, आप सब लोग उससे जुड़े हैं तो आप सब जानते हैं कि जब भी फर्टिगेशन के माध्यम से खाद देते हैं तो उन खादों का जो इंसॉल्युबल मैटर है, जो ना घुलने वाली जो चीजें हैं, या क्लोराइड की मात्रा या पीएच जो अम्लीय पीएच होनी चाहिए, इस तरह की बातों पे हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग पिछले 10-12 साल से इंडिया में तो आईपीएल के माध्यम से अपना पोटैश खाद को तो दे रहे हैं, मगर पिछले साल से हम लोग इंडिया में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में अपना सोल्यू फैमिली या वाटर सॉल्युबल परिवार के साथ हम लोग मार्केट में उतरे हैं। और उसका मेन वजह यही है कि क्यों इन तीनों राज्यों में, और इस साल जो है महाराष्ट्र में जुड़ने का मेन मकसद क्या था कि हमारे पास इस तरह का जो नए खाद या गुणवत्ता वाले खाद, जो फर्टिगेशन में फिट बैठने वाली जो खाद हम लोग सप्लाई कर पाते हैं यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज में, तो क्यों हमने सोचा क्यों ना हम उसी तरह के क्वालिटी खादों को हम लोग यहाँ पे इंडिया में भी दिया जाए। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक हमारा पोटैश माइन का एक फोटो है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जैसे सांप जैसा जो दिख रहा है, ये पोटैश का माइंस है। नीचे धरती से 1000-1500 मीटर नीचे जाके इन चीजों को खुदाई करके ऊपर ले आते हैं। तो ये एक पोटैश माइन का है। तो मैं केपलेसिस के बारे में बता रहा था। तो इसमें हम लोग एक गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ और भी सर्विसेस हम लोग देते हैं। अब जैसे एक इंटरनेशनल कंपनी होने के नाते हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे आज की डेट में अगर आप फर्टिगेशन में जैसे टमाटर या मिर्च या केला जैसे फसलों में अगर काम करते हैं, तो उसमें जो इश्यूज आते हैं जैसे सेलिनिटी मैनेजमेंट या हाई पीएच मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि भाई पानी कम, पानी की सूखापन पड़ रही है, तो उस तरह की चीजों में कैसे काम करें फर्टिगेशन से, तो इस तरह का जो रिसर्च की जो जरूरत है, जो अनुसंधान की जो जरूरत है, तो वो सारी चीजें हम लोग जो विश्व की जो जाने माने इंस्टीट्यूट, अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तो आज की डेट में
प्लेस इज जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन के साथ एक गठबंधन बनाया है, जिसमें एक इंस्टीट्यूट हमने बनाया है, इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिशन, IAPN। और इसी तरह एक और एग्जांपल दूं तो चाइना में हम लोग एक IMI, इंटरनेशनल मैग्नीशियम इंस्टीट्यूट करके, हमने चाइनीज यूनिवर्सिटीज के साथ गठबंधन के साथ वो इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर आप देख रहे होंगे, मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो मैग्नीशियम आपने कब से इसको प्रयोग करना शुरू किया है? मेरे को लगता है जब से पिछले 1 डेढ़ या 2 3 साल से, जब से किसान फर्टिगेशन की काम करने लगे, तो उसमें उनको लगा कि भाई मैग्नीशियम भी एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो हम तो इसको बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फर्टिगेशन के लिए नहीं, इवन हम लोग जब ओपन की खेती में करते हैं उसमें भी मैग्नीशियम का मांग होता है। और ज्यादातर जहाँ जब हम लोग पोटेशियम जैसे खादों का आ, आ, बहुत अधिक मात्रा की जरूरत पड़ता है, तो उन जैसे जगह में हम लोग पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम को भी देना जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग इन जैसे खादों को हम लोग सप्लाई करते हैं। और साथ ही इसके अलावा हमारे जो एग्रोनॉमी और एडवाइजरी सर्विसेज हैं, एग्रोनॉमी और एडवाइजरी सर्विसेज मतलब हम जो रिसर्च के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन को हम जेनरेट करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को किसान के साथ पहुंचाने के लिए हमारे जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, वो हमारे सिर्फ मीटिंग जैसे चीज नहीं है। इसके अलावा, एक मिनट, हमारे एक साथी फोन कर रहे हैं, शायद कुछ दिक्कत हो रहा होगा, मैं एक बार उनको अटेंड कर लेता हूँ। हमें हमारे लोग साथियों ने बताए हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो अगर आप सब लोगों का भी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ओके, थैंक यू। तो इसमें मैं शुरू में आपको यही बताया था कि ये जो केपलेसेस की जो माइंस हैं उसके बारे में मैं बता रहा था। तो शुरुआत में मैंने ये बताया कि ये जो केपलेसेस का जो माइन है, हमारे खुद के माइंस हैं। तो ये माइंस के साथ साथ ये जो मैं जगह बता रहा था, जर्मनी में हमारे अलग अलग 5 जगहों में अपने माइंस हैं। और साथ ही ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पोटैश माइंस जो है धरती के नीचे, अगर 1000 1.5 हजार मीटर जाके इसमें अगर आप देखते हैं तो इस तरह का माइंस दिखते हैं। तो इनकी खुदाई करके हम लोग ऊपर लाके इनको खाद बनाते हैं। खाद बनाते हैं क्या मतलब, ये प्रोसेस करके एज ए नेचुरल खाद जैसा इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं। और ये मैं अपना केपलेसेस की जो खूबियां बता रहा था कि हम किन किन चीजों में हम लोग माहिर हैं, या हमारी जो एक्सपर्टीज है। तो उसमें मैं ये बता रहा था कि जो अंतरजातीय अनुसंधान संस्था है, जैसे जर्मनी में एक IAPN है, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिशन, इसी तरह चाइना में एक IMI है, इंटरनेशनल मैग्नीशियम इंस्टीट्यूट। तो उस तरह के इंस्टीट्यूट्स के साथ, और बाकी जैसे यहाँ पे हार्वेस्ट प्लस है, या आपका जो ग्लोबल फूड पार्टनरशिप, इस तरह के सारे अंतरजातीय संस्थाएं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, गठबंधन किए हुए हैं, ताकि जो साइंस में जो नए नए जो टेक्निक्स जो डेवलप हो रही हैं, उन सबको हम लोग अपने किसानों तक पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाएं, एक हमारा एग्रोनॉमी और एडवाइजरी सर्विसेज है। तो उस तरह के एग्रोनॉमी और एडवाइजरी सर्विसेज के माध्यम से, मतलब चाहे जैसे मैं आज आप लोगों को वेबिनार के माध्यम से बात कर रहा हूँ, इसी तरह अगर मार्केट में अगर आप देखते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे जो एरिया मैनेजर हैं उनके साथ एक हमारे 4 साथी हैं, उनको हम सेल्स एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं, जो एग्रोनॉमी में उनका पूरा नॉलेज है और एक्सपर्टीज है। तो उन उनके साथ हम लोग अपना, किसानों के साथ हमारा पहुंचने का एक बात रखते हैं, और उसी माध्यम से अपना जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग डेवलप करते हैं, चाहे वो फर्टिगेशन शेड्यूल हो, चाहे वो क्रॉप ब्रोशर हो, या चाहे वो कोई भी क्रॉप संबंधित
फसल संबंधित इंफॉर्मेशन हो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट संबंधित इंफॉर्मेशन हो, वो सारा चीज का उस तरह के इंफॉर्मेशन हम लोग अपना किसानों को पहुंचाने के लिए इस तरह का एग्रोनॉमी और एडवाइजरी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी में हम लोग फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और जो भी फसल का जो फर्टिगेशन शेड्यूल्स वगैरह की जरूरत होती है उनका भी हम लोग समय समय के साथ हम लोग डेवलप करते हैं। तो अभी आज के डेट में अगर हर स्टेट में अगर देखा जाए तो अभी गुजरात में जो है हमारे 3 मैनेजर्स हैं, उनके साथ हर मैनेजर के साथ कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स एग्रोनॉमिस्ट, जो हर मैनेजर के साथ 4-4 एग्रोनॉमिस्ट हैं। और इसी तरह महाराष्ट्र में अभी हमारे जो चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं मिस्टर जितेंद्र लोनारी, वही अभी महाराष्ट्र को भी संभाल रहे हैं। साथ में अभी हमारा जैसे ये कोरोना का सिचुएशन खत्म होगा उसमें हम लोग महाराष्ट्र में भी अपने खुद के स्टाफ जो मैनेजर और सेल्स एग्रोनॉमिस्ट का पूरा, जैसे बाकी स्टेट्स में जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो एस्टेब्लिश सेटअप है उसी तरह का सेटअप हम लोग महाराष्ट्र में भी शुरू करेंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर किसान को, चाहे वो केले का किसान है या अनार का किसान है, उन सारे किसानों को हम लोग पहुंचने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ा सा केपलेसेस की जानकारी है, मगर केपलेसेस की जानकारी के साथ साथ ये हमारा कुछ प्रोडक्ट्स की खूबियों का या हमारे जो पहचान का बारे में भी आपको जानना चाहिए। अभी हम लोग केपलेसेस का पहचान जो है मार्केट में, हमारा जो रेड बुल है, रेड बुल मतलब आप बुल को पहचानते हैं, हम लोग सांड कहते हैं, एक शक्तिशाली या पावरफुल चीज को प्रतीक करता है। तो हम केपलेसेस की जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हो या सॉइल ग्रेड फर्टिलाइजर्स हैं, वो सारे फर्टिलाइजर्स एकदम दमदार प्रोडक्ट्स होने की वजह से, पावरफुल प्रोडक्ट्स होने की वजह से, जिनका जिस वजह से उन प्रोडक्ट्स का जो प्रदर्शनशीलता है वो काफी लाजवाब होता है। तो इसलिए ये पावरफुल और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स को हम लोग अपना रेड बुल से रिप्रेजेंट करते हैं या पहचानते हैं, जिस वजह से आप लोग जैसे हमारे किसान हैं जो केपलेसेस के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो वो एकदम धीरज से या धैर्य से पोषक प्रबंधन करने का एक मौका मिलता है। और उसी तरह जितने भी किसान या जितने भी डीलर हमसे जुड़े हुए हैं जो खादों का सप्लाई करते हैं, उनको एक लीडरशिप, एक नेतृत्वता की रोल देने के भी हम बात करते हैं। तो मतलब एकदम नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग पावरफुल और प्रदर्शनशीलता वाले प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई करते हुए किसान को एक धीरज दिलाते हैं कि एक बढ़िया एग्रोनॉमी नॉलेज के साथ अपना फसलों की खेती कर सकते हैं। और उसी तरह हमारे डीलरों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको आने वाले दिनों में एक नेतृत्वता के साथ पोषक प्रबंधन में भागीदारी निभा सकते हैं। तो इस तरह की बातों से हम लोग मार्केट में आते हैं। और जैसे मैंने बताया था केपलेसेस का आज की डेट में जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम लोग पोटैश की जो खाद है, ये जो काली का जो एमओपी का जो खाद है, उसमें हम लोग साल में कम से कम 4,000 लाख टन का, 4,000 या 4 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं। और उसी तरह हमारे जो स्पेशलिटी खादे हैं, जैसे मैं बता रहा था एसओपी का जो खाद है या पेटेंट काली है या आपका जो किसराइट है, तो मैग्नीशियम सल्फर और पोटेशियम का जो जुड़ा हुआ जो खादे हैं उसमें हम लोग 2.5 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं साल में। और उसी तरह जो नॉवल्टी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये जो एप्सोटॉप है, ये जो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके साथ हमारे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन भी है, चाहे वो आयरन या बोरन या जिंक है, तो उस तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन के साथ भी हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जैसे प्रोडक्ट्स हम लोग अपना केपलेसेस से डेवलप प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह हम लोगों ने जो सोल्यू फैमिली इंट्रोड्यूस किए हैं, उस सोल्यू फैमिली में पिछले साल हम लोग जो मार्केट में आप ऑलरेडी जो परिचित हैं उन्हीं खादों को हम लोग लेके आए हैं पिछले साल, मगर इस साल हम लोग कुछ नए फॉर्मूलाज, जैसे ये जो एनपीके का 13-40-13 या 8-12, 8-16-24 जैसे नए नए ग्रेडों को भी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं इस साल। तो कहने का मतलब ये है कि
हम लोगों को जो जो भी फसल है, चाहे वो केला हो, चाहे वो अनार हो या पपीता हो, तो हर फसल के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उस जरूरत की को दिमाग में रखते हुए हम लोग अपना नया फॉर्मूलास को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स को सोल्यू फैमिली से परिचित हैं या किसानों को जानने की उम्मीद रखते हैं। तो हम आज की डेट में आप सब लोगों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि जो मार्केट में एक जर्मन कंपनी होने के नाते जितने भी दमदार प्रोडक्ट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की जो जरूरत होती है, वो आप सब लोगों को समय के साथ सारे रेंज को उपलब्ध कराने का हम लोग बात रखते हैं। तो ये इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी अटेंडीज हैं, जितने भी साथी इस वेबिनार को अटेंड करने की उम्मीद रख रहे थे, तो मैं चाहता अभी इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समय लिया ताकि आप सब लोग अभी ज्वाइन कर सको। तो अभी जो बनाना की कल्टीवेशन की बात करते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि विश्व में भारत केले की खेती में एक नंबर वन देश है ना जी। तो कम से कम ये 8.5 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है। उसमें जो अग्र राज्यों में अगर देखते हैं तो तमिलनाडु नंबर वन में है, चाहे वो विस्तार में, एरिया में, और उसके बाद आता है हमारा जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये राज्यों में भी केले की खेती एकदम नंबर वन स्टैंडर्ड्स के साथ इसका होता है। और इन तीनों राज्यों में खासकर जो केले की खेती है, वो पूरा इंडिया नहीं बल्कि इसको एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए भी यहाँ से केला सप्लाई किया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की अगर केले की खेती में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का काफी बढ़िया योगदान है, और इसके अगर पैदावार भी अगर आप देखते हैं तो अगर हमारे जो भारत का जो औसतन पैदावार अगर 36 टन है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग 60 या 62 या 45 टन का हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। मगर कहने का थोड़ा सा यहाँ पे एक बात ये भी है कि यहाँ पे हम लोग पैदावार को और इम्प्रूव करने का मौका हमें यहाँ जरूर लगता है। जहाँ 45 टन का है, अगर किसान वहां से 60 टन लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव के साथ अपना जो प्रबंधन में या अपना मैनेजमेंट में कुछ तब्दीलियां ले आके अपना प्रोडक्शन को या क्वालिटी को इम्प्रूव करने का हमें मौका है। मगर केले की खेती में चाहे वो आपका पैदावार बढ़ाना हो या आपका अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट को, अच्छा क्वालिटी वाला बंचेस को प्रोड्यूस करते हुए एक एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप लोग अपना बात रखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि इसमें चार पांच चीजों का बहुत अहम रोल निभाता है। एक तो पोषक प्रबंधन जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, और पानी का जो प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट है, तो ये दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही इसका जो वेराइटीज है, आज के डेट में आप लोग टिश्यू कल्चर से काफी लोग जुड़े हुए हैं, मगर जिस तरह की वेराइटीज या उन वेराइटीज को क्या आप रटूनिंग में करते हैं या कितने सालों में चलाते हैं, तो इस तरह के बातों में भी केले की प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी डिपेंड करता है। और साथ में जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जैसे ये जो स्पेसिंग है आज की डेट में, ये जो 1.5 बाई 1.5 मीटर या 5 बाई 5 फीट जैसा स्पेसिंग फॉलो करते हुए किसान जो है केले की जो संख्या को जो मेंटेन करते हैं, उन बातों में भी ये पैदावार डिपेंड करता है, अधिक पैदावार या डिपेंड करता है। और अब रही बात अगर क्वालिटी की बात करें, तो देखिए आज की डेट में मैं शायद आपको बताया कि नहीं बताया, मैं दुबई में बैठता हूँ, केप्लेसेस के ऑफिस में दुबई में बैठते हुए पूरा मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स में काम करता हूँ। साथ में मैं जब देखता हूँ मार्केट्स में, तो केले की यहाँ जैसे दुबई में अगर केला खरीदने में जाता हूँ, तो इंडिया केला बहुत कम मिलता है खरीदने का। यहाँ ज्यादातर केला आता है, चाहे वो इक्वेडोर से हो या कोई अदर यूरोपियन या अदर कंट्रीज से, मगर इंडिया नंबर वन कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया का केला यहाँ पे खरीदने को नहीं मिलता।
तो एक रीजन ये जरूर है कि हम लोग जितने भी इंडिया में इसको खेती करते हैं वो इंडिया के कंजम्पशन के लिए ही सीमित है, क्योंकि वो बाहर भेजने के लिए उतना ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास नहीं है ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। मगर मैं इस बात को भी मानता हूं कि अगर अगर अपने प्रोडक्शन में से 10-15% प्रोडक्शन का अगर एक्सपोर्ट भी करें तो किसान को जो है एक बढ़िया दाम मिलने का या बढ़िया प्रीमियम प्राइस मिलने का एक बात रखते हैं। तो जब हम लोग उस तरह के डायरेक्शन में सोचते हैं, मैं कुछ किसानों के संपर्क में जरूर आया था, जब गुजरात मध्य प्रदेश में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो किसान मेरे को जरूर पूछते थे कि आप मेरे को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट मार्केट्स के साथ क्यों नहीं हम लोगों को जोड़ते, जब आप इंटरनेशनल कंपनी है, जर्मन कंपनी है, तो आप अलग अलग कंट्रीज में आप जाते हो, आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट के साथ परिचित होते हैं, तो क्यों ना आप हमें एक्सपोर्ट बायर्स के साथ हमें कॉन्टेक्ट कराएं या कनेक्ट करवाएं। तो उसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो हेड साहब हैं डॉक्टर सुरेंद्र रुपेरिया और हमारे जो दुबई में जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम सब लोग मिलके पिछले जनवरी में एक मीटिंग किए थे जिसमें हम लोगों ने ये निर्धारण किया कि इंडिया में हम लोग इजी एग्रिक करके एक ऐप डेवलप करने वाले हैं जिसमें सिर्फ ये जो मैनेजमेंट का या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट जैसे बातों पे नहीं, बाकी बल्कि उसमें हम लोग जैसे वेदर मैनेजमेंट या वेदर फोरकास्ट कैसे होगा या जो मार्केटिंग नेटवर्किंग या मतलब आपका भाव कहाँ पे मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट को और उसमें खरीदने वाले कौन लोग कौन हैं, तो उस तरह का सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग वो ऐप इंडिया में डेवलप करने के लिए हम लोगों ने पूरा डिसीजन लिया हुआ है। और इस तरह का ऐप के प्लेसेस कुछ कंट्रीज में इसको ऑलरेडी सक्सेसफुल रहा है, आप लोग आजकल इंटरनेट से काफी परिचित हो तो आप लोग देख सकते हैं, एक इजी एग्रिक करके एक ऐप है, तो के प्लेसेस जो डेवलप किया है वो कहाँ कहाँ पे आज के डेट पे सक्सेसफुल है। तो हम लोग उसी तरह का जो बढ़िया चीजों को इंडिया में लाना चाहते हैं ताकि आपको सिर्फ नया इंफॉर्मेशन या सिर्फ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं, बाकी आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छा ओरिएंटेशन के साथ किसान जो है एक्सपोर्ट मार्केट्स के साथ जुड़ने के लिए या अपना प्रोड्यूस का एक अच्छा लाभ उठाने की जो बातें हैं उसमें भी हम लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जब क्वालिटी की बात करते हैं तो जब किसान सिर्फ खेती करना या पानी देना या न्यूट्रिएंट्स देना या खाद देना इन बातों पे करते हैं, मगर साथ में हम लोगों को एक क्वालिटी एस्पेक्ट में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। आप लोग देते भी हैं मगर जब क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें कौन किस तरह के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे एक फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी मतलब हमें जो देखने में क्या चीजें लगता है कि भाई ये जरूरी है, तो उसमें अगर हम लोग बात रखते हैं तो ज्यादातर देखने में एक जैसे अगर फ्रूट्स की बात करते हैं केले में तो फ्रूट का वजन क्या होनी चाहिए या एक हैंड में एक हाथ में कितने फल होनी चाहिए या उसका जो फल है फल का जो छिलके की मोटापा क्या है या पल्प टू पील रेशियो, इस पे आप लोग कभी गौर किए कि नहीं किए, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्प टू पील रेशियो मतलब केले में पल्प का और उसका जो छिलके का जो रेशियो क्या है, तो इस तरह के बातों पे भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और साथ में जो सेंसरी क्वालिटीज हैं जैसे दिखने में कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, उसका खुशबू कैसा है, उसका जो टेक्सचर कैसा है, तो ये सारी चीजों में भी या उसका स्वाद कैसा है, तो ये सेंसरी क्वालिटीज हैं। और शेल्फ लाइफ की जब बात करते हैं तो शेल्फ लाइफ मतलब कीपिंग क्वालिटी, कितने दिन तक हम लोग आज हमने अगर कटाई किया तो इसको हम लोग कितने दिन तक एकदम हरा भरा या आ, 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 मजबूत रख सकते हैं, उन बातों पे शेल्फ लाइफ की बातें निर्भर करती हैं। और न्यूट्रिशनल क्वालिटी, क्योंकि केले जो है लोग जो भी खाते हैं उसको न्यूट्रिशनल क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए खाते हैं, चाहे वही उसमें कितना विटामिन पाया जाता है या कितना मिनरल्स पाया जाता है या कितना पोटेशियम पाया जाता है। अगर मेरे को पूछते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि केला एक पोटेशियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो इसीलिए हम लोग केले को खाते थे। तो इस तरह के जो अब शेल्फ लाइफ मतलब ये जो क्वालिटी पैरामीटर्स का अलग अलग स्टेक होल्डर है, अब जब एक्सपोर्ट के लिए जो खरीदता है वो ये शेल्फ लाइफ या सेंसरी क्वालिटीज या फिजिकल क्वालिटीज पे ध्यान देता है,
अब जब खाने वाला जो देखता है उसमें ये सोचता है कि इसमें मिठास कौन सा है या उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन सा है या मिनरल्स कौन सा है। तो हम ऐसे किसान, मेरे को ये टारगेट करना चाहिए कि मैं जब खेती करता हूँ, केले की खेती करता हूँ, तो मैं किस स्टेक होल्डर को टारगेट करूँ। मैं क्या सिर्फ अपना डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करूँ या इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करूँ। और इंटरनेशनल मार्केट में टारगेट करना है तो मेरे को जो है इस तरह के सारे क्वालिटीज में एकदम मजबूती रखने के लिए या एकदम स्टैंडर्ड रखने के लिए मैं पूरा सोचूंगा। तो इस तरह का एक बात रखना चाहिए। तो हम लोग जैसे के प्लेसेस है एक खाद प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और हमारा एक्सपर्टीज है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जब हम लोग एग्रोनॉमी और एडवाइजरी की जो बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारे जितने भी एग्रोनॉमिस्ट हैं जो विश्व में जो अलग अलग कंट्रीज में जितने भी एग्रोनॉमिस्ट हैं वो सारे डॉक्टरेट हैं, पीएचडीज हैं। अब आज की डेट में अगर इंडिया की बात करें, मैं इंडिया की एग्रोनॉमी की सपोर्ट करता हूँ और हमारे हेड जो हैं डॉक्टर रुपेरिया वो भी पीएचडी हैं, जर्मनी से किए हुए हैं। और मैं भी हमारे जो भारत के जो आईआरए है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां से पीएचडी किया हुआ हूँ। तो हम लोग जितने भी इवन स्टाफ हैं के प्लेसेस के वो काफी एजुकेटेड हैं। तो ये पीएचडी या डॉक्टरेट होने की जो एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी कोलीग्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में हैं। तो हमारा एक मौका ये मिलता है कि अब जैसे केले की बात करते हैं तो केले किस तरह का खेती होती है जर्मनी में या यूरोप में या इक्वेडोर में या फिलीपींस में, इस तरह का पूरा नॉलेज हम लोग रख के इंडियन किसान के लिए क्या जरूरत है उस पे हम लोग गौर करने का मौका जरूर मिलता है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे भी हम इसी तरह का काम करते हैं कि इसमें जब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जब गाइडलाइन हम बनाते हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये केला इंडिया में कितने महीनों की खेती होती है इसकी, क्या इसको 1 साल की प्लांटिंग मटेरियल जो है उसको 1 साल लेते हैं या 2 साल लेते हैं या हर साल बदलते हैं, इस तरह की बातों पे हम लोग ध्यान रखते हैं। और दूसरा जो है न्यूट्रिएंट शेड्यूलिंग, आजकल किसान को जो है फर्टिगेशन शेड्यूल पे काफी इंटरेस्ट होता है कि भाई आपके पास शेड्यूल है क्या, के प्लेसेस का कोई शेड्यूल है करके जरूर पूछते हैं। मगर उस बात पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे शेड्यूल में हम लोग क्या किस चीज पे ध्यान देते हैं कि एक तो न्यूट्रिएंट अपटेक, मतलब अगर 1 टन का पैदावार लेने के लिए एक कितना किलो का न्यूट्रिएंट जो है पौधा ऊपर अपना अवशोषण करता है, निष्कासन करता है, अपटेक बोलते हैं निष्कासन। तो उस निष्कासन वाली वैल्यूज को हम लोग याद रखते हैं, देखते हैं। जैसे अगर केले की अगर बात देखें तो इसमें नत्रजन का जो है प्रति टन केले के लिए उत्पादन के लिए 4 से 7 किलो का नत्रजन अवशोषण की जरूरत होती है ना जी। अब उसी तरह ये जो फास्फोरस है ये कम से 1 से 1.5 किलो का अवशोषण की जरूरत होती है 1 टन की पैदावार के लिए, और पोटेशियम का जो है 18 से 30 किलो का। तो मैं ये इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं, अब जैसे न्यूट्रिएंट रिमूवल है, अगर एक बंच है जो 20 किलो का वजन है उसमें कितना ग्राम का नाइट्रोजन अवशोषण चाहिए, ये 44 ग्राम्स का निष्कासन या रिमूवल चाहिए, और फास्फोरस का 5 और 146 या 144 ग्राम्स का पोटेशियम का अवशोषण चाहिए। तो अगर आप जो है केले की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं या मजबूती रखना चाहते हैं तो इसमें आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन की जानकारी होना जरूरी है। और हम जो शेड्यूल्स बनाते हैं उसमें भी हम लोग इसी तरह के इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम अपना शेड्यूल बनाते हैं। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं तो अलग अलग पैदावार टारगेट्स के लिए, लक्ष्य के लिए, जो यील्ड टारगेट जो बोलते हैं पैदावार का जो लक्ष्य, उसमें जैसे 40 टन प्रति हेक्टेयर, 60 टन प्रति हेक्टेयर, 80 टन प्रति हेक्टेयर या 100 टन प्रति हेक्टेयर। तो इस तरह के अलग अलग पैदावार लक्ष्य के लिए हमें किस तरह का न्यूट्रिएंट रिमूवल होता है उसमें, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो नाइट्रोजन का जो है 40 टन पे 290 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 560 किलो का पोटेशियम का। इसी तरह जब 100 किलो का होगा तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का क्या मांग होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम देखते हुए, और साथ में अगर आप केले की पूरा ओवरऑल प्लांट का जो आर्किटेक्चर देखते हैं उसमें अगर 60 टन की पैदावार अगर आप बंचेस का ले रहे हो
तो उसके साथ साथ उसका 3 गुना मोटा मोटा 150 से 180 टन प्रति हेक्टेयर का एक बायोमास निकलता है। आप जो जानते हैं ना, जो सूडो स्टेम, जो केले का जो पौधे की जो स्टेम है और उसके जो पत्ते हैं, तो उसका जो वजन है वो 150 से 180 टन प्रति हेक्टेयर की माध्यम से होता है। तो उसमें आपको देखना क्या चीज है, आप तो सिर्फ बंचेस पे ध्यान देते हैं, मगर कभी आपने ये सोचा कि भाई मेरे पास जब 150 या 180 टन का जो बायोमास होगा, अगर उसको मैं काट पीट के बाहर फेंक दे रहा हूं, तो उसमें उस वजन को प्रोड्यूस करने के लिए मैं कितना खुराक मेरा जमीन से या मैं खादों से जा रहा है, उन बातों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग अपना फर्टिगेशन शेड्यूल में ये बात को भी ध्यान में रखते हैं कि किसान कहाँ का किसान, जैसे गुजरात का किसान या महाराष्ट्र के किसान, इस बायोमास को कैसे मैनेज करते हैं, क्या इसको काट काट के बाहर फेंक देते हैं, या कुछ लोग इसको रखा रखते हैं और इसके साथ, जैसे मैं वडोदरा वडोदरा की कुछ क्षेत्रों में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं जरूर देखा था कि किसान जो है इनको ये जो सूडो स्टेम को ना काट के उसके साथ ही दूसरा जो शक्कर को प्रमोट करते हैं, ताकि ये दिन भर दिन ये सड़ जाके इससे जितने भी खुराक है वो अपना जो शक्कर को मिलने का मौका मिलता है। तो इस तरह की चीजों पे हम लोग देखते हैं और उसी से जो फर्टिगेशन में क्या न्यूट्रिएंट की कंट्रीब्यूशन होगा उस पर हम लोग देखते हैं। और रही बात एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन सी हैं करके अगर हम देखते हैं, तो आपको ये टेबल से आपको जरूर पता लग रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें जब मात्रा की बात करते हैं कि भाई कितना मात्रा में ये चाहिए, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा तो पोटेशियम का मांग होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का है और तीसरे पोजीशन में फास्फोरस का होता है। तो इन तीनों के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन इन इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है केले में। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर मैं 40 टन का भी यील्ड पकड़ूं, तो उसमें अगर मैं 600 किलो का पोटेशियम की रिक्वायरमेंट देखता हूं, तो अगर मैं 600 किलो में से 400 किलो भी खेत में डाल दूं, तो जब इतना हाई रेट में पोटेशियम डालने की वजह से, तो आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि भाई पोटेशियम से क्या खूबियां हैं और क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो उस बात पे जब करते हैं, तो पोटेशियम की चैलेंजेस ये होता है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई चलता है। और लड़ाई ऐसा चलता है कि जब एक न्यूट्रिएंट जैसे पोटेशियम का अवशोषण जब पौधा ले रहा है, तो ये पोटेशियम जो है मैग्नीशियम को दबा के ऊपर उठता है। तो इसको दुश्मनी संबंध बोलते हैं, जो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो उस तरह के सिचुएशंस में हम लोग मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, उसको भी हम लोग अपना फर्टिगेशन में इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात आप लोग करते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात हमारे कुछ किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने मेरे को पूछ रहे थे कि भाई लीफ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। देखिए, आज की डेट में हमारे किसान भी काफी एडवांस तरीके से सोचते हैं और करते भी हैं। तो जब लीफ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन की जब बात करते हैं, तो इसमें जो पत्ते आते हैं, तो उसमें 7th पिटियोल, ऊपर से जो 7वां पिटियोल है लीफ का, उसको लेके सैम्पलिंग करते हैं और उसकी जो न्यूट्रिएंट टेस्ट करके उसका एनालिसिस कराते हैं, तो उसमें हमारा जो नाइट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.6 से 1.1% होनी चाहिए, और उसी तरह फॉस्फरस का जो है 0.08 से 0.12% होनी चाहिए, और पोटेशियम का जो है 3.7 से 6.5% के बीच में होना जरूरी है। तो अगर इससे ज्यादा है, तो आप लोग अपना पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, मगर इनसे कम है तो आप लोगों का स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंच पाओ। तो एक एक चीज ये भी होता है। तो मैं आज के डेट में कुछ ऑन साइट टेस्टिंग टेस्टिंग करने का मौका भी आ गया है, पिटियोल टेस्टिंग या पिटियोल एनालिसिस, या कुछ लोग अपने सैंपल्स को लैब भेज के भी एनालिसिस करवाते हैं, मगर इस तरह का नॉलेज रखने से आप लोगों को पता लग जाता है कि मेरा जो फिटिगेशन मैनेजमेंट है वो सही सही तरीके से चल रहा है या इसमें कुछ बदलाव करने का जरूरत है। तो ये बातों पे आप लोग ध्यान रखना चाहिए। मैं पिछली बार जब केले की बात कर रहा था, तो उस वक्त ये बात जिक्र कभी नहीं किया, मगर मेरे को अभी लगा कि बनाना का कंपोस्ट पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए,
इतना पैसा खर्चा करते हैं, आप लोग पूरा साल भर इस पे जुड़े रहते हैं, पूरा समय देते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, मगर जैसे आज की सिचुएशन में मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ कि जो केले की, चाहे केले की हो या कोई और सब्जियों की किसान है, वो आज की डेट में जो जैसे कोरोना के चक्कर में अपना जो बढ़िया जो प्रोड्यूस है, जो आप लोग खेती करके अपना प्रोडक्ट को तैयार किए हैं, उसको बाजार में बेच नहीं पा रहे, है ना, और बेच भी पा रहे हैं तो उसका जो दाम जो मिल रहा है वो बहुत कम दाम पे आपको बेचना पड़ रहा है। तो देखिए, इस तरह की जो परिस्थिति जो है, आप हम लोग इसको एक्सपेक्ट तो नहीं करते, मगर कभी आते हैं तो उसको सामना भी आप लोग करते हैं, और आप सब लोग काफी धीरज से करते हैं। मगर इसमें ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले स्लाइड में आपको बताया था कि केले में अपना बंच का वेट 60 टन है, तो उसका 3 गुना अपना बायोमास का वेट है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो बायोमास में, अगर इसको आप पूरा फेंक के अपना सड़क के किनारे कर देते हो, तो कितना पोषणों का वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर बनाना का जो सूडो स्टेम है, उसको कुछ लोग फाइबर बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग तो उसका जो अंदर का जो सेंट्रल कोर है उसको खाने में अलग अलग यूजों में देखते हैं, मगर एक हिस्सा एक ऐसा भी है जिससे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं आपको इस बात पे थोड़ा सा एक सावधानी रख देना चाहता हूँ कि जब इतना बायोमास को आप लोग काट पीट के फेंक देते हो, तो उससे ये सड़ जाके या कुछ बीमारियां या कुछ कीड़े मकोड़े या मच्छर जैसा चीजों को ना एंकरेज करके, इस तरह कुछ बढ़िया कंपोस्ट करने का अगर सोचे आप लोग, तो आज की डेट में आप सब लोग अपना यूनिवर्सिटीज या केवी केस के साथ जुड़े रहते हो, तो कुछ माइक्रोबियल कंसोर्शिया, जो बायोडिग्रेडिंग कंसोर्शिया करके आते हैं, उसको जैसे काउडंग या अपना जो राइस स्ट्रॉ है या SSP जैसे खाद है, तो इन इन सारे जैसे चीजों को इस तरह का हीप बना के जैसे ये अंदर आपका केले का जो सूडो स्टेम है उसको ऊपर थोड़ा घास डाल दीजिए, इसके ऊपर थोड़ा अपना जो गोबर का जो स्लरी है उसको छिड़क के, या कुछ माइक्रोबियल कल्चर्स डाल के, या SSP जैसे खादों को बीच में डाल के थोड़ा सड़ने की क्रिया को प्रमोट करिए, ताकि इससे जो खाद बनता है, तो ये जब आप डालते हो, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपका खर्चा, जैसे खादों पे आप डालते हो, उसमें खर्चा जो है कम से कम 50% तक आप कम कर सकते हो। और साथ में इस तरह के तरीके से आप खेती करने से अपना जो फसल का जो गुणवत्ता भी जो है वो बढ़ जाता है। तो आपका जैसे जो इफेक्ट जो है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट बनता है, तो मैं इसलिए आप सब लोगों को थोड़ा सा इस बात पे दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि अपना जो ऑर्गेनिक मेन्यूर को, जो सूडो स्टेम के माध्यम से हम लोग बोलते हैं, उसको थोड़ा सा वेस्ट ना करके इसको सही तरीके से उपयोग में लाना जरूरी है। और रही बात जब फिटिगेशन शेड्यूल की, तो हम लोगों ने पूरा भारत क्या सिर्फ जैसे विश्व में जैसे इजराइल या साउथ अफ्रीका या ब्राजील जैसे क्षेत्रों में भी किस तरह का वो लोग फिटिगेशन करते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो सब लोगों का ज्यादातर यही कहना है कि केले की खेती में फिटिगेशन का जो शेड्यूल है वो कम से कम वीकली इंटरवल पे होनी चाहिए, मतलब वीकली मतलब हर 7 दिन पे इंटरवल पे भी अगर करेंगे, क्योंकि हमारा 330 350 ये पूरा साल भर चलता है, मगर कुछ किसान जो है फिटिगेशन कुछ लोग 45 दिन मतलब 1.5 महीने के बाद शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है 2 महीने के बाद शुरू करते हैं, तो मोटा मोटा 300 दिन तो हम लोगों को इस फसल के साथ पूरा वाटरिंग या इरिगेशन या फर्टिगेशन में आप इसके साथ जुड़ा रहना है। तो इसमें जुड़ा रहने के लिए हम लोगों ने पूरा जितने भी बातें मैंने बताया, न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिएंट रिमूवल, और आप लोग जो ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग करते हो, इन सारे बातों को दिमाग में रखते हुए अपना फर्टिगेशन शेड्यूल बनाए हैं। और हम लोगों ने जो केप्लेसिस का जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, उसमें जो है इस पूरा केले की फसल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं, जैसे कि जो क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट स्टेज है जो आपका 4.5 महीने तक निकलता है, और उसमें तो आप लोग 1.5 महीने से 2 महीना बिल्कुल कुछ करते भी नहीं है, तो हम लोग उस बात को भी याद ध्यान में रखे हैं।
और जो वेजिटेटिव स्टेज है तो बाकी जो 12 हफ्ते का समय है, और जो बाकी जो 10 में शूटिंग स्टेज जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जो डेवलपमेंट फ्रूट डेवलपमेंट और हार्वेस्टिंग का जो 10 हफ्तों का जो समय है, उन उन समय में अलग अलग स्टेजेस में जो नत्रजन फास्फोरस और पोटेशियम का क्या मांग होनी चाहिए, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि बंच इनिशिएशन, जैसे आपका बंच निकलने लगता है उसमें आपका जितने भी पोटेश आप डालते हो अपने खेत में, उसमें से 30% का हिस्सा जो है बंच इनिशिएशन से उसको देना चाहिए। तो इस तरह के सारे साइंटिफिक बातों में बातों को हम लोग दिमाग में रखते हुए अपना शेड्यूल बनाए हैं। तो और इसमें सिर्फ एनपीके का नहीं, बाकी जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर है, साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे बोरान है, जिंक है, इन इन चीजों को कब देना है, तो उन बातों पे भी हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना शेड्यूल्स बनाए हैं। और साथ में कुछ किसान जो है ये जो डी सकरिंग पे ध्यान देते नहीं है, मगर ये डी सकरिंग से क्या नुकसान है या क्या फायदा है वो भी आपको समझ में होना चाहिए। जो किसान अपना जो प्लांटिंग मटेरियल जो सक्कर्स को प्रमोट करते हुए 1-2 साल जो चलाते हैं, उस समय आप लोग मदर प्लांट के साथ 2 सक्कर छोड़ते हो या 3 सक्कर छोड़ते हो या 4 सक्कर छोड़ते हो, या एक फार्मर मेथड स्टडी में ऐसा है कि जिसमें ये सक्करों के बारे में कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप लोगों को एक बात जरूर आप लोगों को पता भी है, मगर उसमें कितना सक्कर छोड़ना चाहिए उस पे तो ध्यान देना जरूरी है। अब जैसे देखिए मैं जो मदर प्लांट के साथ 2 सक्कर्स की जो मेंटेन करते हुए जब अपना खेती करता हूँ, तो उसमें अगर मेन फर्स्ट ईयर का जो पैदावार है अगर 24 टन प्रति हेक्टेयर आता है, तो रटून क्रॉप में 37 टन का आपका मौका मिलता है। मगर वही चीज जब आप 3 सक्कर से 4 सक्कर आप करते हो, तो उससे पैदावार गिरने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब 2 टन इस केस में पहली साल में अगर 4 सक्कर रखते हैं तो 2 टन का पैदावार कम होने का चांस होता है, और वही चीज अगर रटून में देखते हैं तो 4 टन का डिफरेंस होने का मौका लगता है। और उस अब ये सक्करों के बारे में अगर आप कहीं उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं, तो इसमें मोटा मोटा 3 टन का और इसमें जो है 7 टन का पैदावार। तो ये जो पैदावार कम होने का वजह क्या है, क्योंकि देखिए इसमें जो आपका जो पौधे की जो लंबाई है या स्टेम की जो लंबाई है या उसका मोटाई है, वो सब चीजें आप जितने भी सक्कर्स रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ज्यादा सक्कर्स रखते हो तो जो मदर प्लांट को जो पोषण मिलना चाहिए, जो खुराक मिलना चाहिए, उससे बंटवारा होके ये जो सक्कर्स को मिलता जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो मदर प्लांट की जो ग्रोथ होनी चाहिए या जिस तरह का जो पैदावार आना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। तो इसीलिए इन इन जैसे बातों पे भी आप लोगों को ध्यान में देखना रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बनाना का जो ग्रोथ स्टेजेस है, आप लोग इस साइकिल से पूरा परिचित हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि किस स्टेज पे हम लोग क्या चीज देना चाहिए। अब जैसे देखिए फर्स्ट स्टेज में पिछले जो 1.5 या 2 महीने आप लोग कुछ खाद नहीं डालते, मगर जब प्लांटिंग के समय में अपना जो नीचे जमीन में या पिट में आप लोग जो सॉइल में देने वाली जो फास्फोरस की खादें जैसे डीएपी हो गया या एसएसपी या पोटैश जैसे खादें देते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो उसका जो रूट ग्रोथ है, उसका जो शूट ग्रोथ है, वो सारा उसका रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब जैसे ही आप लोग सक्कर्स का ग्रोथ देखने लगे, जैसे 2 सक्कर है तो मेरे को एक ही सक्कर को प्रमोट करना चाहिए या 2 ही सक्कर को प्रमोट करना चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई कोई हवा पानी से ये कोई साइक्लोन जैसी चीजों से कभी ये गिर भी जाता है तो आपको दूसरा का सहारा रहेगा। तो इसलिए 2 सक्कर्स का दिमाग में रखते हुए आपको चलना चाहिए, 2 से ज्यादा जाना सही बात नहीं है। और साथ में हर ग्रोथ स्टेज में देखिए, जब अगर हम लोग 4 स्टेजेस में अपना इसको रखते हैं, अपना फसलों का साइकिल रखते हैं, तो हर स्टेज में हर न्यूट्रिएंट का जैसे कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट को मैं कहता हूँ कि हर स्टेज में कम से कम एक बार तो देना जरूरी है। अब जैसे फ्रूटिंग में आप कैल्शियम नाइट्रेट जैसे खादों को उसकी जो नंबर बढ़ा देते हो या इंटरवल बढ़ा देते हो, मगर शुरुआत की स्टेजेस में कैल्शियम जैसे खादों को कम से कम 1 या 2 बार तो देना जरूरी है ना।
और साथ में जो एनपीके का जो रिक्वायरमेंट है उसमें नत्रजन का किस स्टेज पे ज्यादा डिमांड है और पोटेशियम का किस स्टेज पे ज्यादा डिमांड है या फास्फोरस का किस स्टेज पे ज्यादा डिमांड है, तो इस तरह का बातें आपको ग्रोथ स्टेजेस या अपना फसल का लाइफ साइकिल को दिमाग में रखते हुए अपना फर्टिगेशन को प्लानिंग करना चाहिए। मैं उन्हीं बातों को आगे बताऊंगा, मगर हम लोगों का जो केप्लेसेस का जो फर्टिगेशन शेड्यूल हम लोग केले में बनाए हैं उसमें हर न्यूट्रिएंट का किस स्टेज पे क्या रिक्वायरमेंट है और उस न्यूट्रिएंट को कौन सी खाद से देना चाहिए, किस किस समय किस स्टेज पे, वो सारी चीजें हम लोग अपना शेड्यूल्स में कवर किए हैं। जैसे ये नाइट्रोजन का है तो इसी तरह हम लोगों ने फास्फोरस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट को किस खाद के माध्यम से किस स्टेज पे देना चाहिए वो सारी बातें हम लोग, ये पोटेशियम का है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डेवलप करके आप सब लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और जैसे हम लोग गुजरात मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपना फर्टिगेशन शेड्यूल को पिछले साल भी दिए हैं, तो उसमें हमारा यही बात होता है कि कौन सा सिर्फ खादों का रिकमेंडेशन नहीं, मगर आप लोग जानते हो जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जब हम लोग फर्टिगेशन में देते हैं तो एक कंपेटिबिलिटी की भी बात होती है। तो कंपेटिबिलिटी की बात क्या हुआ, अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग अमोनियम सल्फेट और एसओपी इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बता रहे हैं, तो इसमें आप लोग बोलते हो कि भाई वेजिटेटिव स्टेज में तो हमें एसओपी की जगह एक एमओपी पोटैश का खाद देना चाहिए, है ना। अब मगर आप लोगों को एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि अमोनियम सल्फेट को मैं अगर पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड में बनाऊंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा, तो इसमें क्या होता है कि अमोनियम सल्फेट में जो सल्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड में जो पोटेशियम है ये दोनों मिलके पोटेशियम सल्फेट बना देता है, और वो जो पोटेशियम सल्फेट जो होता है उस पोटेशियम सल्फेट एक ना घुलने वाली चीज है। इसीलिए आप लोग वो कॉम्बिनेशन ना देके अगर एसओपी जैसा खाद में देते हैं तो एसओपी ऑलरेडी जो है इसमें एक लो पीएच होती है और इसमें जो जल्दी घुलने वाली जो रिक्वायरमेंट है उसमें ऑलरेडी पाया जाता है, तो इसीलिए इस तरह का कॉम्बिनेशंस को आप में दिमाग में रखना चाहिए। जैसे आप लोग करते भी हैं सल्फेट सल्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप्स या नाइट्रेट ग्रुप्स ऐसे करके आप लोग चलाते हैं, तो इसी तरह हमारा जो शेड्यूल है उसी तरह कंपेटिबिलिटी की जो बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना शेड्यूल बनाए हैं। तो ये जैसे ये हिंदी है तो आने वाले दिनों में आपको मराठी में भी इसको उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ इसी तरह हम लोग इसको गुजराती में भी डेवलप किए हैं। तो इस शेड्यूल को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारे जो सेल्स एग्रोनोमिस्ट हैं या सेल्स मैनेजर्स हैं उनके माध्यम से इन शेड्यूल्स का आप लोग एक्सेस लें और इनको आप लोग यूज करें। अब रही मैं थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की थोड़ा सा बात करूंगा, इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, क्या किस तरह का हमारे बातों पे ध्यान देना चाहिए उस पर थोड़ा गौर करूंगा। तो नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो केले की खेती में शुरू से लेके एंड तक इसकी जरूरत होती है। तो शुरुआत में अगर इसकी वनस्पतिक बढ़वार के लिए चाहिए तो इसका जो बाद वाली व्यवस्था में अच्छी फ्लावरिंग के लिए बढ़िया फ्रूट डेवलपमेंट या मेच्योरिटी के लिए इसकी जरूरत होता है, तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा फसल काल में होता है। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताया था कि लीफ नाइट्रोजन को हम लोग एज एन इंडिकेटर मान के भी इसका निर्धारण कर सकते हैं, और नाइट्रोजन की कमी हम लोगों को जब पौधा का जब ग्रोथ में जैसे पत्तों में अगर आप देखते हैं तो निचली वाली पत्ते पूरा पीले हो जाती है, तो उससे भी हम लोगों को कमी का एक महसूस होने लगता है। तो नत्रजन एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है पोटेशियम के बाद में केले की खेती में, तो इसको आप लोग सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। और अगली बात अगर देखते हैं तो नत्रजन को हम लोग प्रबंध कराने के लिए हमारे पास किस किस तरह का सोर्सेस है, इसमें ज्यादातर जो है हमारे पास केप्लेसेस का एक अमोनियम सल्फेट है वाटर सॉल्युबल ग्रेड। मेरे को लगता है कि मार्केट में ये जो जर्मनी खाद का जो सोल्यू ईएमएस है ये एक ही सोर्स है जो वाटर सॉल्युबल ग्रेड है, बाकी सारे जो है सॉइल में देने के लिए या सॉइल ग्रेड ही उपलब्ध होता है, मगर जो वाटर सॉल्युबल ग्रेड में सिर्फ केप्लेसेस ही एक ऐसा सोर्स लेके आ पाई है। और साथ में जो नाइट्रोजन खादों में से एक 12:61 है जिसमें 12% नाइट्रोजन और जो 19:19 है
और साथ में इस साल हम लोग दो ग्रेड्स और भी लेके आए हैं। तो इस तरह की चीजों को आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर हम अमोनियम सल्फेट की अगर बात करें, तो एक अमोनियम सल्फेट में पहली बात यह है कि ये एक पहली एक अम्लीय खाद है। अम्लीय खाद बोले जाए तो इसमें एक 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर है। इसके अलावा जब भी आप अमोनियम सल्फेट खाद देते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आपका फर्टिगेशन सिस्टम में अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो वो इस तरह का रिएक्शन में जाता है जिससे 4 यूनिट का हाइड्रोजन आयन मतलब 4 यूनिट का पीएच को कम करता है और साथ में पौधों को नत्रजन को नाइट्रेट के रूप में बदल के और सल्फर को सल्फेट के रूप में बदल के पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसमें जो है कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस किसान हमें पूछते हैं कि भाई इसको कौन सी सीजन में देनी चाहिए या कौन सी मिट्टियों में देनी चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और फर्टिगेशन में इसका क्या फायदा है। अब देखिए अगर किसान जो है अब जैसे जून जैसे महीनों में जैसे बरसात के समय में अगर आप लोग अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं तो उससे क्या फायदा है। देखिए अमोनियम सल्फेट में पहला नाइट्रोजन किस रूप में है, अमोनिया के रूप में। अब अमोनिया के रूप में जब आप समर या मानसून के समय में इस खाद को देते हैं तो अमोनिया पौधे में जाते ही नाइट्रोजन का खाद जो है दो तरह का रूप में ये पौधा लेता है। एक तो जो है अमोनिया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या है कि पहले जो भी न्यूट्रिएंट आप पौधों को देते हैं तो पहले वो न्यूट्रिएंट जो है जिस रूप में बदल के पौधे को देना खुराक देना। अब जैसे शुरुआत की जैसे जून जैसे महीनों में आपका पौधा अगर शुरुआत की व्यवस्था में होता है तो उसमें जड़ों जड़ों का व्यवस्था वो डेवलप विकसित होने वाली स्टेज पे रहती है। अब वो जड़ों की विकसित होने वाली स्टेज पे अगर नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में एसिमिलेट करेगा मतलब खाएगा तो वो जड़ों के अंदर ही उसको जो कार्बोहाइड्रेट्स बना के जड़ों का जो ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी करता है। तो इसलिए हम लोग मानसून के समय में अमोनिया को एज ए नाइट्रोजन को एज ए अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर में देते हैं। अब रही बात कौन सी सॉइल में इसका ज्यादा फायदे होते हैं। अब जैसे देखिए हर सॉइल में जैसे आपका मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या आपका जो महाराष्ट्र हो यहाँ की जितने भी मिट्टियां हैं उन मिट्टियों में क्ले की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अब जैसे महाराष्ट्र में तो ज्यादातर ब्लैक कॉटन सॉइल्स हैं, है ना। अब उसी तरह कुछ लोमी सॉइल्स हैं या सैंडी लोम सॉइल्स हैं तो उन सॉइल्स में क्ले मात्रा होने की वजह से जब आप अमोनियम सल्फेट देते हैं तो उसमें जो अमोनिया है पहले क्ले पकड़ के रखता है और उसको धीरे धीरे पौधे को दिलाता है। अगर वही चीज आप शुरुआत वाली व्यवस्था में अगर नाइट्रेट जैसे खादों में देते हैं जब आपका जड़ों का व्यवस्था पूरा विकसित नहीं हुआ होता है उस स्टेज अगर आप देते हैं तो उसमें नुकसान नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट लीचिंग के माध्यम से वेस्ट होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हम लोग मानसून या गर्मियों के समय में हम अमोनियम सल्फेट शुरुआत वाली व्यवस्था में देने में ये फायदा होता है। अब उसी तरह अगर जब आप ठंडी मौसम में जैसे ये नवंबर दिसंबर जैसे महीनों में अगर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें अमोनियम सल्फेट सल्फर होने की वजह से इसमें थोड़ा फसल में एक गर्माहट पैदा होता है। तो गर्माहट पैदा होने से ये पौधों को काफी जो नाइट्रोजन अमोनिया से जो नाइट्रेट बदलने का जो क्रिया है वो सही तरीके से हो पाता है। तो इसलिए हम लोग अमोनियम सल्फेट को पूरा साल भर इसको पूरा फसल काल में दे सकते हैं। इसमें कोई सीजन की कोई ये नहीं है, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। इसको हम लोग पूरा साल भर एज ए वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का खाद में दिया जा सकता है। अब रही बात जो एनपीके की फॉर्मूलाज हैं, अब जैसे आज की डेट में K+S ने 3 तरह के फॉर्मूलाज मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। एक 19-19-19 और एक 13-40-13 और एक 8-16-24। अब इन तीनों में अगर आप देखते हैं तो पहले जब ये फॉर्मूलाज डेवलप करते समय हम लोग ये बात ध्यान में जरूर रखते हैं कि जब 19-19-19 है उसमें नाइट्रोजन की अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इसको हम तीन तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे अमाइड के रूप जो यूरिया के रूप बोलते हैं और अमोनिया के रूप और नाइट्रेट के रूप।
तो इन तीनों रूप में रखने का मेन वजह यही है, आप लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधा नाइट्रेट के रूप में लेता है। अगर मैं सारा खाद नाइट्रेट के रूप में दूंगा तो उससे आपका पौधा सब कुछ ले नहीं पाता। तो इसलिए मैं ये देखता हूं कि अगर तीन हिस्सों में रखूंगा तो समय के हिसाब से ये धीरे धीरे पहले अमाइड जो है अमोनियाकल के रूप में और अमोनियाकल जो है नाइट्रेट के रूप में बदल के पौधे को लंबे समय तक फसल काल में दिला पाएगा। अब इसी तरह अब ये जो है वेजिटेटिव स्टेजेस, अब जैसे केले की बात करते हैं तो शुरुआत के जो 3-4 महीने हैं उसमें आप 19-19-19 की यूज कर सकते हो, मगर वही चीज जब आपका फसल एस्टेब्लिशमेंट वेजिटेटिव के बाद जब शूटिंग स्टेज में आ जाता है उस वक्त शूटिंग स्टेज में आपका जो बंच आने का समय भी आता है, तो उस वक्त जितना पौधे की जड़ों का मजबूत रहेगा उतना ही न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाएगा और उतना ही आपका शूट में या बंच में न्यूट्रिएंट को अपना सरफरा कर सकता करवा पाएगा। तो उस मजबूती के लिए फास्फोरस की जो सही मात्रा में पौधों को दिलवाने के लिए हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है, वो है 13-40-13। तो उस 13-40-13 को हम लोग अभी इसी साल आपके मार्केट में लेके आ रहे हैं। और बाद में जब एक तीसरा फॉर्मूला ये है जैसे फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज पे आप 13-40-13 यूज कर सकते हो, और जो फ्रूट डेवलपमेंट की समय में जब फास्फोरस की 13-40 जैसा मांग नहीं होता उसमें कम होता है तो उसमें जो है आप 8-16-24 जैसे फॉर्मूलास को यूज कर सकते हो। और जो मेच्योरिटी स्टेजेस में आप लोगों का नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहता और पोटेशियम का ज्यादा रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये हम लोग का अगर ये रेशियो देखते हैं 1:2:3, तो इस तरह का रेशियोज हम लोग लेके आए हैं। तो ये खादों का आप लोग देखना चाहिए। और साथ में ये जो हमारे जो जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो हम लोग अम्लीय खाद जैसे पीएच भी 5 या 5.5 या 6 तक रखना चाहते हैं, ताकि अगर आप देखिए जब अम्लीय खाद होने की वजह से आपका जो जैसे आपका जो 12:61 है, ये जो 12:61 में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होने की वजह से जब ये नाइट्रेट के रूप में बदलता है तो 2 यूनिट का हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, मतलब पीएच को कम करता है और पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में दिलाता है। तो इस तरह का हम लोग अपने खादों को अम्लीय खादों के रूप में सप्लाई करना चाहते हैं। और साथ में जब फास्फोरस की बात जब करते हैं तो फास्फोरस जैसे मैंने बताया था ये जो नीचे जो राइजोम जो बोलते हैं जिससे जड़ों का जो व्यवस्था बनता है और जो सूडोस्टेम की जो लंबाई है और इस तरह की मजबूती के लिए हम लोग शुरुआत की व्यवस्था में फास्फोरस की इस्तेमाल करते हैं। अगर शुरुआत की जो वेजिटेटिव स्टेजेस में आपका पौधा में फास्फोरस का पर्याप्त मात्रा में नहीं देते तो उस तरह के सिचुएशन में आपका पौधा गिर जाने का जो लार्जिंग होने का ये जो भयंकर हवा चलने से जो केले के पौधे गिर जाते हैं उसमें एक रीजन ये होता है कि अगर फास्फोरस की मात्रा शुरुआत की स्टेजेस में जो वेजिटेटिव स्टेज में या एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में जो पर्याप्त मात्रा में अगर जो देनी चाहिए अगर वो आप नहीं देते हो तो पौधे में जड़ों की मजबूती स्ट्रांग ना रह के उसकी वजह से गिर जाने का संभावना बढ़ जाती है। और साथ में जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो फ्लावरिंग स्टेज पे हमारा जो 13-40-13 जैसे खादों के इस्तेमाल करने से फायदा ये होता है कि जो फ्लावरिंग की जो रेट है वो सही तरीके से और जो फ्लावरिंग से जो फ्रूट सेट होता है, जो फ्रूट सेट होके जो नंबर ऑफ हैंड्स या नंबर ऑफ फ्रूट्स पर हैंड ये सारी जो चीजें हैं उसमें भी सही रखने से ये काफी हेल्प करता है। और उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो फ्रूट सेटिंग वगैरह जो होता है और फ्लावर ड्रॉप कम करके फ्रूट सेटिंग जो बढ़िया करने के जो रोल होता है उसमें फास्फोरस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब फास्फोरस की कमी आपको कैसे दिखता है, अब देखिए अगर आप इस फोटो में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो सूडो स्टेम का जो ये जो लीफ शीथ है वो इस तरह का अगर स्प्रेड सेपरेट हो जाती है या खुल जाती है तो उससे आपको फास्फोरस की कमी का अंदाजा लगाना चाहिए। और उसी तरह जब आपका पत्तों में ये जो बैंगनी रंग का जो कलर दिखने लगता है तो उससे भी आपका फास्फोरस की कमी हम लोग बताते हैं। तो इसमें मैंने ये जो खादों का जो ऑप्शन हमारा केप्लेसिस का ऑप्शन जो बताया था फास्फोरस के लिए उसमें एक ऑप्शन और भी है जो MKP जो 052434, तो
वो जो है आपका प्री फ्लावरिंग और फ्लावरिंग की स्टेज पर अगर आप देते हो तो उसकी वजह से आपका जो फल बनता है उसमें बढ़िया कलर, उसमें बढ़िया क्वालिटी, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम होने की वजह से 13 052 34 इससे आपका जो बढ़िया कीपिंग क्वालिटी भी बनने का मौका मिलता है। तो इसी तरह फास्फोरस का मैनेजमेंट आप लोगों को करना चाहिए। तो जब ये जो 12:61 की जब बात करते हैं, K+S का खाद है सोल्यू MAP, तो 12:61 में 12% नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में और 61% फास्फोरस है। तो ये खाद देने से ये खूबी ये होती है कि जब 12% अमोनिया की नाइट्रोजन जब फर्टिगेशन सिस्टम से जड़ों में आता है, तो ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, अमोनिया खाद देने से क्या होता है कि उससे pH 2 यूनिट कम होता है। तो 2 यूनिट कम होने से जो फास्फोरस मिट्टी में जो बंधा हुआ है, फिक्स्ड फास्फोरस जो बोलते हैं, उसको भी ये घुला देता है, सोल्यूबल कर देता है। तो इसकी वजह से जब आप मोनो अमोनियम फॉस्फेट 12:61 जब आप देते हो, तो आपका जो फॉस्फोरस का जो मात्रा है सिर्फ खाद से नहीं बल्कि आपका मिट्टी से भी, जो मिट्टी में जो बंधा हुआ जो फास्फोरस है उसको भी इसको छुटकारा करा के पौधों को दो दो सोर्स से पौधों को फास्फोरस दिलाता है। तो इसलिए ये सॉइल फास्फोरस और आपका जो फर्टिलाइजर फास्फोरस, इन दोनों का एक डबल इफेक्ट होके, अप्लाइड फास्फोरस और नेटिव फास्फोरस, इससे डबल इफेक्ट होके फास्फोरस अपटेक में काफी बढ़ोतरी होता है जब आप अमोनियम 12:61 की खाद यूज करते हो। और इसका एक और खूबी ये है कि इसका जो pH है ये 4.5 होने की वजह से इसका इवन फ्लावरिंग स्टेज में भी बढ़िया फ्लावर सेट के लिए या फ्रूट सेटिंग के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। और इसमें बस एक एक बात या ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो 12:61 खाद को जब हम कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स के साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए। अब अगला खाद है हमारा जो 052 34 या सोल्यू MKP है। तो सोल्यू MKP जो है प्री फ्लावरिंग या फ्लावरिंग स्टेजेस पे अच्छा फास्फोरस और पोटेशियम दोनों का कंबाइंड रोल देने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 052 34 एक ऐसा खाद है जिसको सिर्फ एज ए खाद नहीं, उसके साथ साथ एज ए फंजीसाइड्स के साथ भी मिला के, मतलब आप जैसे कोई बीमारी के लिए या कोई रोग के लिए कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह मिलाते हो उनके साथ भी ये कंपेटेबल होता है। तो इसको आप घोल बना के आप लोग दे सकते हो। मगर फास्फोरस की जब हम बात करते हैं तो एक बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी पौधे को जो मिलता है वो pH के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए हमारा जितने भी खादे हैं फास्फोरस का, आप लोग जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ की जो मिट्टियों की जो pH है ये 7.5 8 से ऊपर ही है, उससे नीचे नहीं है। इसका मतलब ये क्षारीय pH है, क्षारीय मिट्टियां हैं। तो उनमें पौधा जो है फास्फोरस का जो दो तरह के रूप में मिलता है पौधे को, एक तो HPO4 2- और एक H2PO4-। मगर इन दोनों में से ज्यादा मात्रा जो पौधा पसंद करने वाला जो मात्रा है वो है H2PO4। तो वो H2PO4 आपका अम्लीय pH में, जैसे 7.2 pH जैसे pH में ही आपको मिलता रहता है। तो इसलिए आप लोग फास्फोरस का, क्योंकि थोड़ा क्षारीय pH की रेंज में आपका मिट्टियां होने की वजह से जितने भी फास्फोरस की खादें अम्लीय खादें होती हैं उनको अगर आप डालते हो तो उससे आपका pH को भी थोड़ा कम करता है और साथ में पौधा को जिस रूप में फास्फोरस चाहिए उस रूप में आपको मिलता है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपका मेरे को बहुत सारे किसानों ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि फास्फोरस को मेरे को किस रूप में देना चाहिए। मतलब कुछ किसान ये जो 12:61 या DAP जैसे खादों से ना देके कुछ किसान फास्फोरिक एसिड भी यूज करते हैं। तो मेरे को कुछ लोगों ने पूछा भी था कि मैं फास्फोरिक एसिड के माध्यम से फास्फोरस खाद को देने में कोई दिक्कत है कि नहीं है करके, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए फास्फोरिक एसिड हम लोग किस वजह से इसको हम लोग मतलब मार्केट में ये लाया गया है, खासकर जब फर्टिगेशन की किसान जो है फर्टिगेशन करते हैं तो आपका जो ड्रिप सिस्टम में एक स्केलिंग हो जाता है। स्केलिंग मतलब जो एक प्रिसिपिटेट जैसा बन जाता है
क्योंकि जब आपका पानी पानी क्षारीय पानी होने की वजह से जब आप लोग जैसे फास्फोरस खाद या कैल्शियम खाद जैसी चीजों को मिलाते हो तो उससे फट जाता है, खाद फट जाके वो ड्रिप्स को ब्लॉक कर देता था। तो उन चीजों को फ्री करने के लिए हम लोग फास्फोरिक एसिड को बाजार में मार्केट में आया था पहले, और किसान भी फास्फोरिक एसिड को उसी के लिए यूज करते थे कि ड्रिप सिस्टम को क्लीन करने के लिए। मगर आज की डेट में कुछ किसान जो है इसको एज ए फॉस्फोरस खाद भी यूज करने लगे हैं, तो क्या वो सही है या नहीं है, मैं आपको उस ये चारों पॉइंट से बताता हूँ कि जब आपका सॉइल का पीएच अगर 6.5 से 7 जैसा पीएच है, और उस समय अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को एज ए फॉस्फोरस खाद अगर आप देना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उससे क्या होता है कि फॉस्फोरिक एसिड एक बढ़िया ज्यादा मात्रा का फास्फोरस सोर्स होने की वजह से ये, और अम्लीय पीएच में जब एसिड डलता है तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है राइजोस्फीयर या अपना जो रूट जोन में बढ़ जाता है, ऐसा बढ़ जाता है कि ये प्लांट डिमांड से भी ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं? तो प्लांट को अगर मान लीजिए 10 किलो चाहिए, तो अगर फास्फोरिक एसिड से आपको फास्फोरस देने से ये 10 किलो से बजाय 20 या 30 या 40 किलो हो जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पौधे की जड़ों में उपलब्ध हो जाता है। मगर ये प्लांट के डिमांड अगर 10 किलो है, आप 40 किलो दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा फास्फोरस मिट्टी में क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है, फिक्स या लॉक होके पौधे को नहीं मिल पाता बाद में। तो इसी वजह से अगर आपका सॉइल का पीएच 6.5 और 7 हो, उसमें फॉस्फोरिक एसिड एज ए फॉस्फोरस खाद देना चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि इसका जो डोज है ये अम्ल, एक तो एसिड है, एसिड को अंधाधुंध नहीं यूज करना चाहिए। ज्यादा एसिड डालने से आपका मिट्टी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या रूट का व्यवस्था है ये सारा मर जाने का मौका होता है। तो इसलिए ये एसिड को पहली बात एज ए खाद यूज नहीं करना चाहिए, अगर करना भी है तो पहले अपना पीएच को देखिए, है ना? अगर वही चीज आपका मिट्टी का पीएच 6 से कम है, अम्लीय पीएच है, उसमें क्या होगा, अगर फास्फोरिक एसिड को ऐसे खाद डालोगे तो आपका मिट्टी को और अम्लीय बना देगा, और जिसकी वजह से अम्लीय पीएच में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पे अल्यूमिनियम और आयरन जैसी चीजें घुलनशील में रहते हैं, और वो फास्फोरस को आयरन फास्फेट्स और अल्यूमिनियम फास्फेट्स के रूप में बन जाता है, और वो पौधों को दोबारा फास्फोरस को उपलब्ध होने में नहीं मौका देता है। तो इसलिए पीएच 6 से कम होने में भी आपका दिक्कत है। अब रही बात जो रियल सिचुएशन है गुजरात महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जो पीएच है वो क्षारीय पीएच है, या उसको हम लोग सेलाइन या कैल्केरियस सॉइल्स भी बोलते हैं, या अल्कलाइन सॉइल्स भी बोलते हैं, या कुछ जगह नमकीन की मात्रा भी ज्यादा होता है, सेलाइन सॉइल्स भी बोलते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका मिट्टियां होने की वजह से इसमें सिर्फ मिट्टी क्षारी नहीं, मगर इसमें पानी भी आपका क्षारी क्षारी है, जिसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इस सिचुएशन में आप लोग, बहुत सारे किसान इस सिचुएशन में है, अब इस सिचुएशन में आप फास्फोरिक एसिड को डालते हो, तो फास्फोरिक एसिड पहले जाते ही पानी में मिलते ही ये क्या करता है, तो पानी में जो कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जैसा बंधा हुआ जो कैल्शियम है उसको ये घोल करता है, रिलीज कर देता है ना जी, ये रिलीज करके अपना मिट्टी में सॉइल सॉल्यूशन में लेके आता है, और उस कैल्शियम जैसे मिट्टी में सॉइल सॉल्यूशन में आया, वहां पे भी क्योंकि मैंने बताया कि आपके मिट्टियां भी क्षारी है, पानी भी क्षारी है, तो फास्फोरिक एसिड डालते ही अपना पानी को क्लीन क्लीन कर रहे हो, और वहां पे जो क्षारीयता बनाने वाली जो कैल्शियम को घोल बना के उसको मिट्टी में ला रहे हो। मगर मिट्टी में आते ही उस कैल्शियम क्या होता है, वहां पे पड़ा हुआ जितने भी कार्बोनेट्स हैं या जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं उससे बन के कैल्शियम कार्बोनेट का दोबारा प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से एक तो फास्फोरस की उपलब्धता का तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मगर साथ में कैल्शियम का भी नुकसान करा रहे हो, क्योंकि जो पौधा अगर वही चीज अगर आप 12:61 से देते, उसमें जो पीएच जो कम है वो जितना पीएच कम होनी चाहिए उस पीएच से जो कैल्शियम का घुलने का जो मात्रा है, जो मात्रा कैल्शियम सॉइल सॉल्यूशन में आता है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिट्रेट बनने का ये जो रिलेटिविटी है
है ना, वो प्रोसेस जो है फास्फोरिक एसिड का ज्यादा है और जो अम्लीय खादे जैसे 12 XX जैसे खादों का कम है। तो इसलिए आप जो कैल्शियम इन जैसे सिचुएशन में कैल्शियम की खाद अगर देने की जरूरत नहीं था, उसमें फास्फोरिक एसिड जैसे खादों का इस्तेमाल करने की वजह से आप लोग अपना जो कैल्शियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल करने का जो मांग है या डिमांड है उसको बढ़ावा दे रहे हो। तो इसलिए ना फास्फोरस की उपलब्धता और साथ में कैल्शियम की कमी, दोनों को आप बढ़ा दे रहे हो जब आप फास्फोरिक एसिड की इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फास्फोरिक एसिड उसको ये अम्ल एसिड मतलब अम्लीय है, अम्ल। तो अम्लीय चीजों को आप किस मकसद के लिए डेवलप किए हैं उसी मकसद के लिए सीमित रखना चाहिए, ना कि इसको एज ए न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जैसा इसको मानना सही बात नहीं है। तो अभी बात करते हैं पोटेशियम को लेके। तो पोटेशियम की जरूरत मैंने शुरू से ही बताता आ रहा था कि केले की फसल में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पोटेशियम का होता है, ये क्योंकि इसका जो फ्रूट का डेवलपमेंट या वजन ये सब तो हमने बात किया है। साथ में जो है इसमें पौधे में कोई भी सहनशीलता की बात करें, चाहे रोग की सहनशीलता कीड़ों का या पानी की कमी का या रोग रोग का या ज्यादा तापमान का, तो इस तरह का हर चीजों का सहनशीलता बढ़ाने के लिए पोटेशियम काफी अहम रोल निभाता है। और साथ में जो हवा से गिर जाने का जो संभावना होता है उससे भी कम होता है, वो कम होता है पोटेशियम ज्यादा मात्रा में देने से। और वैसे ही पूरा केले की फसल में सबसे ज्यादा मांग जो है पोटेशियम का होता है। और साथ में अगर आप पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम देते हैं तो पोटेशियम बाकी न्यूट्रिएंट्स की जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की अपटेक को भी ये कंट्रोल करता है। तो सही मात्रा में सही समय पे पोटेशियम का न्यूट्रिशन देना जरूरी है। और इसकी जो कमी आप लोगों को कैसे पता लगता है कि जो निचली वाली पत्तों की जो सिरा है, जो एजेस हैं, ये पीले पीले पड़ के फिर जब इसकी जो कोन है ये इस तरह का मर जाता है, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। इस तरह का मर जाने की या काला हो जाने की अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो ये पोटेशियम की कमी आपको पता लगना चाहिए। और साथ में हम लोगों ने केपलेसिस में ये जो कुछ जगह में ये पोटेशियम का SOP के माध्यम से देने से क्या फायदा है करके हम लोगों ने कुछ स्टडीज भी किए हैं। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि अगर MOP देने से या MOP और SOP मिलाने से या सिर्फ SOP देने से बंच वेट में क्या फायदा हुआ है ये आपको क्लियरली दिख रहा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि अगर पोटेशियम को SOP के माध्यम से देते हैं तो आपको ज्यादा बंच वेट होने का संभावना आता है। और इसी तरह जब सिर्फ बंच वेट नहीं मगर जो अदर क्वालिटी पैरामीटर्स है जैसे TSS आप जो बोलते हो, शुगर कंटेंट या एस्कॉर्बिक एसिड जैसे क्वालिटी पैरामीटर्स में भी SOP पोटेशियम के माध्यम से देने से एक क्वालिटी पैरामीटर्स में भी काफी बदलाव आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे जो केपलेसिस की जो SOP की बात करते हैं तो इसका जो ये इसमें पोटेशियम 50% और 17% सल्फर ये दोनों रूप में देते हैं। और साथ में इसका एक और खूबी है कि इसका जो साल्ट इंडेक्स है, साल्ट इंडेक्स मतलब जिस बार ये खाद डालने से आपकी मिट्टियों में या आपका फर्टिगेशन सिस्टम में नमकीनता या क्षारीयता बढ़ने की जो क्षमता ज्यादा होती है वो तत्व जो है ये हमारे जो केपलेस SOP में बहुत कम है। और साथ में इसका जो क्लोराइड कंटेंट भी ना के बराबर है और pH भी अम्लीय pH है। तो इसलिए ये जो आप जो SOP आप डालते हैं मेच्योरिटी स्टेजेस में या फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेजेस में, इसमें काफी बढ़िया क्वालिटी बढ़ाने की रोल में काफी हेल्प करता है। और साथ में जो SOP सिर्फ फर्टिगेशन में नहीं, कुछ लोग कुछ किसान तो इसको एज ए बंच स्प्रे भी यूज करते हैं। बंच स्प्रे मतलब इसको 2% का घोल बना के इसको स्प्रे भी करते हैं बंचों के ऊपर, ताकि बंच का चमक बरकरार रखने के लिए या उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। और दूसरा जो पोटाश खादों में से एक हमारा खाद है 13045 सोल्यू NOP के नाम पे आता है। इसमें जो है 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम है। और इसमें
मेन मेन खूबी यह है कि ये जो पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होने से इसको फ्रूट स्टेजेस में या मतलब फ्रूट डेवलपमेंट या मेच्योरिटी स्टेजेस में देते हैं, और इसकी वजह से जो क्षारीय मिट्टियों में या क्षारीय क्षेत्रों में जो क्लोराइड की मात्रा ज्यादा रहता है उसकी अवशोषण या उसका अपटेक को ये नाइट्रेट कंट्रोल करता है। नाइट्रेट क्लोराइड को दबा के ये ऊपर उठता है, तो इसलिए ये काफी फायदेमंद रहता है। और इसलिए जहां जहां साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स हैं या जहां जहां सलाइन क्षेत्र हैं उसमें एनओपी का यूज करने का ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब जहां आपका पीएच 7.5 से ऊपर है तो उसमें एनओपी का फायदा ज्यादा रहता है। तो ये एक कंपैरिजन है हमारे जो के प्लस एस के पोटेश खादों का कंपैरिजन है। यहाँ पे जैसे एमकेपी, एसओपी, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, इन चारों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो पीएच, सोल्युबिलिटी और साल्ट इंडेक्स, इन तीनों से ही कोई भी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का क्वालिटी या खूबी को पहचानना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा कम कम पीएच जो है एसओपी को रहता है। अगर के प्लस एस की एसओपी की बात करें तो ये 2 से 2.5 भी रहता है, तो ये काफी अम्लीय रेंज में रहता है अपना एसओपी का। और जो एमकेपी जो 0.5234 है उसका 4.5 है, और जो एनओपी है इसका और पोटेशियम क्लोराइड जो म्यूरेट ऑफ पोटेश है ये 7 होता है। और घुलने वाली चीजों की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा घुलनशील तो पोटेशियम क्लोराइड है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट है। थोड़ा सा दिक्कत आपको एसओपी का घुलने में कभी एक बार आता है, तो उसकी वजह से आपका पानी का जब नरम पानी अगर आप रखते हैं तो उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। अब साल्ट इंडेक्स मतलब क्षारीयता बनाने वाली जो तत्वों में से साल्ट इंडेक्स की जब बात करते हैं तो सबसे कम 0.5234 का है, और उसके सबसे कम एसओपी का है। एनओपी का और एमओपी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग फर्टिगेशन में ज्यादातर एमओपी को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो साल्ट इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से हम लोग शुरुआत वाली व्यवस्था में 0.5234 और जो मेच्योरिटी या फ्रूट डेवलपमेंट या फ्लावरिंग से फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेजेस में जो एसओपी और एनओपी जैसे खादों को हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। अब रही कैल्शियम की, तो कैल्शियम आप सब लोग परिचित हैं, इसका जो सिम्टम्स आपको ऐसे दिखते हैं जो स्पाइक लीफ बोलते हैं, अगर लीफ इस तरह का बढ़ जाता है तो कैल्शियम की कमी जैसा पता लगना चाहिए। अब कैल्शियम की कमी जो है, मैं आज की डेट में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की बातें करते हैं उसी तरह कैल्शियम की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि ये कीपिंग क्वालिटी को बढ़ावा देता है। कीपिंग क्वालिटी आज की डेट में हम लोग जो भी फसलों का खेती करते हैं वो सारे हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। हाई वैल्यू क्रॉप्स मतलब कैश क्रॉप्स। हार्वेस्ट होने के बाद जब तक कोई खरीदने वाला होता है, मतलब आप तो मार्केट के लिए बेच देते हो मगर जो खाने को जो खरीदता है तब तक वो जाता है, उसको एकदम मजबूत रखना चाहिए। तो उस मजबूती के लिए चाहे वो छिलके की मजबूती या अंदर फ्रूट की मजबूती, अगर अंदर जो पल्प जो है कभी काला पड़ जाता है या कभी ब्राउनिश हो जाता है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो उस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए एक बढ़िया कीपिंग क्वालिटी के लिए कैल्शियम की सहारा देना चाहिए। तो कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसमें एक ही बात को हम लोग याद रखना चाहिए कि कैल्शियम का जो अपटेक है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे एनपीके जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फ्लोएम लोडिंग से पौधे को उपलब्ध होता है और इसका मूवमेंट जो है ऊपर नीचे बाई डायरेक्शनल होता है, मगर कैल्शियम जो है ये जाइलम मूवमेंट होता है, ये इंट्रा सेल्यूलर नहीं इंटर सेल्यूलर, कणों के बीच में से जाता है ना कि कणों के अंदर से। तो इसकी वजह से कैल्शियम का जो अपटेक जो है ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का जो वाष्पीकरण का प्रोसेस है उस प्रोसेस से कैल्शियम की निष्कासन होता है। तो इसलिए कैल्शियम को हम लोग हर स्टेज पे, ना कि मैं शुरू में भी बता रहा था सिर्फ फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेजेस में ना देखते हुए, इसको हर स्टेज पे देना चाहिए ताकि जिस स्टेज पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होता है उस स्टेज पे कैल्शियम की मांग पूरा हो सके। तो और साथ में कैल्शियम का जो इस्तेमाल करते समय एक सावधानी ये भी रखना चाहिए कि इसको बोरान के साथ मिलाते हुए करना चाहिए। बोरान के साथ मिलाना मतलब जो आपका जो बाहर से जो आता है बोरान, जो आपका जो सोडियम टेट्रा बोरेट या बोरिक एसिड जैसे रूपों में मिलता है उसके साथ मिलाना चाहिए। कभी कभी मार्केट में एक कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान का एक ऑप्शन भी होता है, मगर उसमें थोड़ा बोरान का जो मात्रा है
जितना मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए कॉम्बिनेशन उतना नहीं होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट को आप फिजिकली 250 ग्राम के आसपास बोरान के साथ मिलाते हुए इसका फिटिगेशन में यूज करना चाहिए। तो ये एक चीज को दिमाग में रखना चाहिए। और साथ में हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो सोल्यूशियन के नाम पे आता है, और हमारा बैग इस रंग का आपको दिखता है कैल्शियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम नाइट्रेट से एक तो बीमारी भी कम होने का संभावना होता है, तो इसलिए इस तरह का चीजों को आप लोग यूज करना चाहिए। तो मैग्नीशियम की जब बात मैंने किया था, तो इसमें देखिए मैग्नीशियम का जैसे क्ले सॉइल्स में मैग्नीशियम पोटेशियम रेशियो को दिमाग में रखना चाहिए। तो इसमें क्ले सॉइल्स में 2:1:1 रेशियो का मैग्नीशियम पोटेशियम का होता है, और उसी तरह का अगर सॉइल सैंडी सॉइल्स हैं इसमें 1:4 तक आप रख सकते हो। तो इन बातों को आप दिमाग में रखना चाहिए। और साथ में सल्फर की जब बात करते हैं, तो सल्फर के लिए मेनली सल्फर का रोल ये होता है कि सल्फर जो है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब हम लोग शुरू में बात किया था कि केले में नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं, और नाइट्रोजन जब भी आप देते हो तो इसका लॉसेस होने का संभावना बहुत है प्लांट अपटेक की कंपैरिजन में। तो इन लॉसेस को कम करते हुए अधिक मात्रा में पौधों को उपलब्ध कराने के लिए आपको सल्फर की सहारा चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर जो है एक मित्र संबंध पोषक तत्व है। तो इसलिए हम लोग अमोनियम सल्फेट को वाटर सॉल्युबल ग्रेड में लेके आए, ताकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों आपको पौधों को दिला सके। और उसी तरह जब लेटर स्टेजेस में आप देते हो, जैसे एनओपी जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो एनओपी और एसओपी दोनों को एक के बाद एक देते हैं, ताकि एनओपी में जो नाइट्रोजन रह गया वो जैसे एसओपी आप देते हो तो सल्फर उसमें मिलके आप उन दोनों का यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ सकता है। तो इस तरह का चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जब सल्फर की कमी आपको लगता है तो नाइट्रोजन की ऑपोजिट में ये जो यंग लीव्स पीले पड़ने लगते हैं, तो इस तरह का जो यंग लीव्स पीले दिखते हैं तो इससे आपका सल्फर की कमी महसूस होना चाहिए, और साथ में सल्फर जैसे खादों को आप इस्तेमाल करना चाहिए। तो बोरान के बारे में मैंने बताया था, तो बोरान के जब कमी होती है तो इस तरह का सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं पौधों में, ये जो सिकुड़ जाते हैं, और तो बोरान का इस्तेमाल आप करते ही हैं। और साथ में जो जिंक की कमी आप देखते हैं, तो जिंक में से आप एक चीज आपको जरूर दिखता है कि जो पत्ते हैं यंग पत्ते हैं वो छोटे दिखते हैं, लिटिल लीफ जो बोलते हैं स्मॉलर साइज के जो पत्ते हैं। तो अगर उस तरह के पत्ते अगर आपको दिखने लगे तो आपको जिंक की कमी महसूस होनी चाहिए। मगर आज की डेट में जब भी आप इस तरह का लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स की खेती करते हैं, तो इसमें आप लोग कमी के लक्षण तक वेट नहीं करना चाहिए। इसको जो इम्पोर्टेंट क्रॉप स्टेजेस, जैसे आपने प्लांटिंग के समय अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर एक बार दे दिया, जैसे जिंक मैंगनीज आयरन जैसे कॉम्बिनेशन में अगर एक बार देते हैं, तो उसके बाद जो फ्लावरिंग स्टेज पे और एक फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे, या तो एक फोलियर स्प्रे, अगर फोलियर स्प्रे की गुंजाइश नहीं है तो फर्टिगेशन में भी ये जो आजकल कीलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, तो उसके माध्यम से अगर 2 या 3 बार अगर आप दे देते हैं तो उससे भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूरी हो जाती है। तो हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स में जब फर्टिगेशन की जब बात करते हैं तो कुछ चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक कंपेटेबिलिटी की बात है कि भाई कौन सा खाद कौन से खाद के साथ मिल सकता है और कौन से खाद के साथ नहीं मिल सकता। तो उसमें ज्यादातर हम लोग फॉस्फरस जैसे खादों को कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खादों के साथ मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि ये जब कैल्शियम जैसे खादें जैसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट या मोनो पोटेशियम फॉस्फेट जैसे 0:52:34, 12:61 जैसे खादों के साथ मिलाते समय वो फटने का संभावना बढ़ जाता है। और इसी तरह जो साल्ट इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी है खादों का, जिससे क्षारीयता बनाने वाली या क्षारीयता छोड़ने वाली जो चीजों का रूप है ये साल्ट इंडेक्स, तो आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो इसमें सबसे कम साल्ट इंडेक्स है आपका 0:52:34 सोल्यू एमकेपी के नाम पे आता है। और उसके बाद जो है हमारा जो सोल्यू एमएपी है 12:61, और अमोनियम सल्फेट जैसे खादों का भी कम है मगर 13:045, या अगर पोटैश की खाद देखते हैं केसीएल उसमें 120 की मात्रा में साल्ट इंडेक्स होता है। तो इसलिए आप लोग
ये जो फिटिगेशन में, एक तो आपने कंपैटिबिलिटी की बात तो आप दिमाग में रखते ही हैं, ग्रुप्स के जो चलाते हैं जैसे सल्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रेट ग्रुप, इसी तरह जो खादों का चयन करते समय आप पीएच, सोल्युबिलिटी और साल्ट इंडेक्स, इन इन चीजों को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। और जैसे सोल्युबिलिटी की जब मैं बात कर रहा था, तो कौन सी खाद किस टेम्परेचर में सोल्यूबल है, तो इसकी वजह से आपको इस टेबल से आपको ये पता लगता है कि भाई कौन सी खाद को मैं कितना मात्रा तक मैं पानी में घोल सकता हूँ। अब जैसे सोल्यू एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटैश की अगर बात करते हैं, तो 1 लीटर पानी में आप लोग 111 या 100 ग्राम एसओपी मिला सकते हैं। तो 100 ग्राम अगर मिला सकते हैं तो 10 लीटर में आपका 1 किलो हो गया, और 100 लीटर में 10 किलो हो गया। तो 200 लीटर पानी में अगर 20 या 25 किलो तक आप एसओपी मिलाते हो तब तक चलता है। अगर उससे ज्यादा अगर किसान जो है मिलाना चाहते हैं, अगर 200 लीटर बैरल में एक बोरी के ऊपर अगर मिलाना चाहते हैं, तो तब आपको इसका घुलने का दिक्कत जरूर होता है, क्योंकि उसका क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग सोल्युबिलिटी की बात को याद में रखना चाहिए। अगर जैसे कैल्शियम नाइट्रेट 20 डिग्री में 1290, मतलब ये हुआ कि 1 किलो 300 ग्राम 1 लीटर पानी में मिल सकता है कैल्शियम नाइट्रेट, इसका मतलब पानी से ज्यादा ही मात्रा को ये घुल सकता है। तो इस तरह के बातों को आपको दिमाग में रखते हुए अपना फिटिगेशन में थोड़ा सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये जो पानी की जो हार्डनेस की जो बात कर रहा था, उसमें मैंने बताया भी था कि आप लोग फॉस्फोरिक एसिड को जब यूज करते हैं, तो इसकी मात्रा जो है 1.5 लीटर एसिड का 20 से 25 लीटर पानी में मिला के इसको आप 30 मिनट के समय में अगर आप इसको फिटिगेशन में छोड़ते हैं, तो इसका काफी बढ़िया रोल होता है। तो यही चीजें मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। मैं जब हम लोग, हमारे साथी हैं, हमारे जैसे जितेंद्र लोनारी हैं, हमारे गुजरात में प्रमोद सिंह सैनी हैं, और साथ में हमारे सेल्स एग्रोनॉमिस्ट हैं, इनके माध्यम से भी आप लोगों को और विस्तार से ये जानकारी आपको समय समय से आपको मिला करेगा। मैंने सोचा जैसे अभी शुरुआत में महाराष्ट्र में इस बार हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन, थोड़ा ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने का मैंने सोचा था। बट ये जो डिटेल्स हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट है, पेस्ट या डिसीज मैनेजमेंट है, इनके बारे में भी हम लोग काफी विस्तार से आप लोगों को मीटिंग्स करेंगे, आपके एरियाज में फार्मर मीटिंग्स करेंगे, नाइट मीटिंग्स करेंगे, और उस समय आप लोगों को और विस्तार से इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आप सब लोग अपना कीमती समय देके इस वेबिनार में अटेंड किए हैं, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को यहाँ पे कोई क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ये आपका विंडो पे ये जो वेबिनार के जगह ये जो हाथ खड़ा किया है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कि हमारे जो केपलेसेस के साथी भी आजकल आज इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, तो अपने जो गेस्ट को मौका दिया जाए। आप लोग किसान अगर पूछने का अगर मौका होता है तो मैं उसको थोड़ा अच्छा समझूंगा, क्योंकि हम तो आपस में बात करते रहते हैं। तो कोई भी किसान को अगर कोई प्रश्न पूछना है, तो आप अपना हाथ यहाँ खड़ा कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक हमारे एक गेस्ट हैं आज, एक आकाश सोनवाने करके, उन्होंने हाथ खड़ा किए हैं, मैं उनको मौका देता हूँ बात करने के लिए। तो बताइए आकाश जी, आप अपना ये जो वॉइस को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है आकाश जी, बताइए। हेलो, हेलो हेलो, बताइए जितेंद्रा, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। सर आपने एक चीज, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए, सुन हेलो रहा हूँ, बताइए आकाश जी।
सर आपने प्लांट टू प्लांट मेजरमेंट थोड़ा सा डिस्कशन नहीं कर पाए सर, थोड़ा सा उस बारे में गाइड करिए सर। अच्छा, हम लोग जो प्लांट पॉपुलेशन, मैंने एक जगह यहाँ पे बताया भी था कि ये जो केले की खेती में जो स्पेस जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हम लोग डेढ़ से डेढ़ मतलब 5 फीट बाय 5 फीट की स्पेसिंग रखते हैं, और इसकी वजह से जो पौधों का संख्या जो है ये 4,444 प्लांट्स प्रति हेक्टेयर हिसाब से होता है। तो ये है जो आइडियल स्पेसिंग है। हेलो, हेलो, अच्छा, ओके ओके सर। हाँ जी, हाँ सर, हेलो हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं आकाश जी? हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं आकाश जी? सर एमपी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से, ओके सर। मध्य प्रदेश बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी आपने प्लांट पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में आपको और कोई चीजों पे विस्तार से डिस्कस करना है तो हम लोग आपके एरियाज में भी आएंगे। हाँ सर। तो उस पे और विस्तार से बात कर सकते हैं, है ना जी? यस सर आइए, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू, वेलकम। तो अभी अभी और कोई किसान क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जितेंद्रा, जितेंद्रा, एक हमारे एक विजय सिंह पाटिल जी हैं, मैं आप उनसे अनुरोध करता हूं कि वो बात करें, अपना माइक को अनम्यूट करें। विजय सिंह पाटिल जी। यस डॉक्टर। हाँ जी, हेलो, अपना माइक को अनम्यूट करते हुए बात कर सकते हैं विजय सिंह पाटिल जी? यस, हाँ जी, बताइए। हाँ जी विजय सिंह जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं मालसरस तालुके से बात कर रहा हूँ, चांदापुर गांव से, मालसरस तालुके, इस शहर से आए ना तुम, आकलुज में, आकलुज के पास से बात करो। अच्छा, आकलुज से बात कर रहे हैं, बताइए विजय सिंह जी। हाँ सर जी, वो जो पटेल साहब बोलिए। हाँ आप, नमस्ते नमस्ते बोलिए। हाँ नमस्ते, जो केले का बंच रहता ना, एक वन प्लांट का, गुड, कितना केला रखना चाहिए? यस, कितना कितना फनी फनी से उसका कितना साइज रखना चाहिए, कितना केले की एक एक पेड़ को? अच्छा, हेलो, हाँ जी, हाँ, एक पेड़ को कितना केला रखना चाहिए? अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ मैं, हाँ वो मैं बताता हूँ आपको, बताइए। हाँ हाँ, सुन पा रहे पाटिल साहब मेरी आवाज? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। पाटिल साहब मेरी सुन पा रहे हो? मैं जितेंद्र। हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए साहब। ये जो केले का निकलता है तो बंच हैंड्स की, हैंड्स होते हैं ना, हैंड्स, हाँ बंच, हाँ, 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 जो हैंड से जिसको हम क्या बोलते बोलते हैं, तो हाँ हाँ पनी, वो हैंड्स, हैंड की जो संख्या है, नौ रख सकते हैं आप, नौ से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और केली की जो संख्या है, केली की संख्या मिनिमम 22 से लेके मिनिमम 35 तक तो अच्छी है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ केली की संख्या जितना ज्यादा रहेगी उतना आपका बंच का वेट ज्यादा आता है।
हैंड्स की संख्या 9 से ज्यादा मिनिमम साइड में तो 8 कम रख सकते हो, मैक्सिमम साइड में 9 रखना है, 9 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं आपको, 9 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाँ हाँ और कितना मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है 9 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं आपको? अच्छा 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 ठीक, ओके। तो आप कितना रखते हो? अभी मैंने चालू है, अभी आप कितना रखते हो केले में जो हैंड से उसकी संख्या आप कितना रखते हो? 11 11 11 अच्छा तो 11 ठीक है विजय सिंह जी, जब आप 11 हाथ रखते हैं तो 11 उसमें कुछ हाँ, तो 11 मत रखिए आप, 9 रखिए मैक्सिमम साइड। अच्छा विजय सिंह जी, जब आप 11 हाथ रखते हैं तो आपको उससे फायदा लगा या उसमें नुकसान लगा? सर जी अभी चालू है मेरा कल्टीवेशन प्लॉट, चालू है अभी, अभी तो कुछ नहीं बता सकता है ना। देखिए आपने बहुत बढ़िया सही प्रश्न पूछे हैं कि भाई मेरे को कितने हाथ रखना चाहिए करके, तो इसका मेन रीजन इसलिए ये होता है कि पहली तो हम लोग ये देखते हैं कि मैं किस एरिया में खेती कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे आपका जो मिट्टियां है वो किस तरह की मिट्टियां है, क्ले की मिट्टी है या थोड़ा दोमट है या रेतली है? नहीं नहीं प्लेन है, प्लेन। हाँ तो उसमें हम लोग अपना जब 11 हाथ रखते हैं उसमें आपको अपना जो फ्रूट की जो लंबाई है या मोटापा है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि ज्यादा रखने से क्या होगा, आप 1 किलो खाना खा रहे हो, अब 1 किलो खाना 5 जने खाएं या 6 जने खाएं या 4 जने खाएं, है ना। तो खाने के लिए तो 6 जने भी खा सकते हैं या 4 भी खा सकते हैं, मगर 4 खाएंगे, 4 खाएंगे तो वो ज्यादा मजबूत रहेंगे और उनको कुछ वो अपना संतुष्ट भी रहेंगे। अगर वही 6 लोग खाएंगे तो वो थोड़ा सा भूखा रह जाएंगे। इसी तरह आपका केले के पौधों में जब 9 रखने से, जैसे जितेंद्र ने बताए हैं, वो सही माना जाता है, 9 से ऊपर रखने से उसका ग्रोथ भी सही नहीं, पूरी नहीं होता और उसका जो साइज या लेंथ जो होनी चाहिए वो पूरी नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा विजय सिंह जी, हम आपके एरिया में आएंगे दोबारा आके। मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो निदिल भाई के यहाँ जुड़े हैं, है ना। हाँ वो आप जो अरेंज किया है ना वहां से खाद लेके आते हैं हम। अच्छा तो हम खुद आपके खेत में विजिट करने आएंगे और पूरा आपका खेत। वेलकम जी, वेलकम, आइए आइए, कभी आइए, हम स्वागत करेंगे आपका सर। बिल्कुल, अच्छा लगा आपसे बात करके विजय सिंह जी। हाँ धन्यवाद। अभी मैं योगेश चौधरी जी हैं, वो उनसे मौका देता हूँ। योगेश जी बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना सिस्टम में और बात कर सकते हैं। योगेश जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो हाँ जी योगेश चौधरी बताइए। हेलो हाँ जी बताइए योगेश चौधरी जी। हाँ जी सर, सुन पा रहे हो क्या आप? सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं बुरहानपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा बताइए योगेश जी। सर मैं ये पूछ रहा था आपको, हाँ जी, जो फास्फोरिक एसिड की जो कमी होती है रिक्वायरमेंट, वो 1000 की होनी चाहिए लगभग? क्या बोल रहे हैं, फास्फोरिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है सर 1000 ही, कितनी होनी चाहिए इसमें ड्रिप में डालने के लिए? केली में नहीं, स्प्रे नहीं सर, ड्रिंचिंग ड्रिंचिंग ड्रिप में देने के लिए? हाँ ड्रिप में देने के लिए। अच्छा
देखिए हम लोग पहले मैं जैसे बताया था फास्फोरिक एसिड को एज ए खाद नहीं डालते अपने फर्टिगेशन में, हम लोग डालते हैं उसको अपना जो ड्रिप का जो पाइप्स वगैरह खोलने के लिए या उसको सफाई करने के लिए, मगर उससे जो अब वो पानी तो कहीं जाके तो जड़ों में ही जाएगा, तो उसका जो मात्रा है 1.5 लीटर के आसपास होनी चाहिए, 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसको रिक्वायरमेंट, मतलब 1.5 लीटर एसिड का 20-25 लीटर पानी में मिलाते हुए इसको आप फर्टिगेशन में देना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी, और कोई हमारे जो किसान भाई हैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये राजकुमार पाटिल जी कुछ पूछना चाहते हैं, राजकुमार जी बताइए। हेलो, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ जी राजकुमार पाटिल, तो K+S की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पहली बार सेमिनार में जुड़ा हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी लगी। तो और राजकुमार जी ये बुरहानपुर और खंडवा के बीच में खंडवा जिलों के पास से हैं। मेरा सवाल ये था कि ठंड में करपा रोग आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किसमें ठंड में करपा रोग आता है, मतलब जल जाती है केली, जल जाती है? अच्छा ओके, तो देखिए ये ठंड में जल जाने वाली बात जो है इसमें मेनली ये होता है कि जब आपका ठंड ज्यादा होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट अपटेक जो पोषणों का अवशोषण जो होता है उसमें थोड़ा उसकी जो गति हो धीमी हो जाती है ना जी? बिल्कुल, तो इसलिए आपको थोड़ा सा गर्माहट पैदा होने वाली चीजों को जैसे आपका सल्फर है या SOP, मैं जवाब दे दूं डॉक्टर साहब, सल्फेट ऑफ पोटैश है, तो इस तरह की चीजों को आप डालते हुए, या कुछ किसान तो सल्फर का डस्टिंग भी करते हैं पाउडर का, तो इस तरह की चीजों को गर्माहट पैदा करके अपना सिस्टम को गर्माहट पैदा करके फिर फर्टिगेशन करेंगे तब जाके ये जो जलने वाली जो बता रहे उसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में हमारे साथी हैं जितेंद्रा, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनका कुछ और सुझाव है तो बता सके। जितेंद्रा राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? जी जी धन्यवाद सर। हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके राजकुमार जी। जितेंद्रा कुछ और बताएंगे आप? चलिए इसमें इनका कुछ दिक्कत हो रहा है। अच्छा एक राहुल पतिदार जी हैं, वो भी पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये ठंड में जो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो, हाँ सर डॉक्टर साहब हाँ बताइए, केले में ठंड के कारण जैसे इन्होंने बोला, हाँ ओके, ठंड में केले में जो आपने करपा, हाँ मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, ठंड में इन्होंने जो बताया डिसीज जैसे करपा बीमारी आती है तो हाँ, तो मेरा हाँ हेलो जितेंद्र, जितेंद्र चलिए अभी राहुल पतिदार जी हैं जो हैंड खड़ा किए हैं, बताइए राहुल पतिदार जी। हेलो राहुल, हाँ जी हाँ सर डॉक्टर, मैं जवाब दे दूं इसका? बताइए, आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। हेलो जितेंद्र, हेलो हाँ सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, राहुल पाटीदार
राहुल जी बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, राहुल पतिदार जी अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो 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 हाँ जी, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं और? देखिए सब लोगों ने हाथ तो खड़ा किए हैं। हाँ जी बताइए राहुल जी। आवाज आ रही सर, आई हैव मैंने मेरा क्वेश्चन वॉल पोस्ट पे पोस्ट किया हुआ है, आप प्लीज रिप्लाई करिए। हेलो हाँ जी हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही आपको? हाँ जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैसेल प्रशांत कुंभार फ्रॉम सोलापुर से बात कर रहा हूँ मैं, सोलापुर माड़ा से। हाँ जी हेलो, नमस्कार 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 सर। हाँ, जैसे केले का जो सीम का विड्थ रहता है और उसका यील्ड और लीफ नंबर, इसका तीनों का यील्ड ज्यादा आने के लिए क्या रिलेशन रहना चाहिए, इसका रेशो क्या रहना चाहिए ऑप्टिमल यील्ड मिलने के लिए? ऑप्टिमल यील्ड लाने के लिए। हाँ जी हाँ हेलो, आप ये जो स्लाइड देख पा रहे हैं प्रशांत जी? हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी देखिए, इसमें ये स्टडी यही कहता है कि इसमें जो पौधे का जो लंबाई है ना, ये कम से कम 300 दिन जो है 300। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जवाब दे दूँ इसका? दीजिए ना। जी लोना के साथ दीजिए आप। लोनारे साहब आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, शायद डॉक्टर बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हेलो हेलो हाँ जी हाँ, लोनारे साहब का आवाज नहीं आ रहा, इसलिए आप बोल सकते तो बोल दीजिए, आपको आपको सुनते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो पौधे की जो लंबाई है ये कम से कम 200 फीट सर, जिससे मतलब बंच बंच की लंबाई और बंच का जो वेट है इसका सीधा कोरिलेशन। ओके 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 हाँ बोलिए सर। हाँ जी, तो मैं इसमें ये बोल रहा था कि जो पौधे की जो लंबाई है ये कम से कम 6.5 से 7 फीट तक होनी चाहिए, है ना जी? बराबर। और साथ में जो आपका जो गिर्थ है ये अगर आप देख रहे हैं तो 4 से 4.5 फीट का, मतलब 70 से 75 सेंटीमीटर का होनी चाहिए, है ना? यस। और हाँ, जिससे आपका जो बंच का जो वेट है वो 22 से 25 किलो प्रति बंच का वेट होने का आपको संभावना लगता है, है ना जी? इस तरह का इंडिकेशन के लिए आपको एक तो सिर्फ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ही नहीं, जो पत्तों का संख्या जो बता रहे थे उसके हिसाब से ये जो शक्करों का जो मैनेजमेंट भी आपको करना जरूरी है। ठीक है यस यस यस।
और जितेंद्र कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, उसका प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसा रिलेशन है क्या, जैसे विड्थ, लीफ और प्लांटिंग डिस्टेंस, ये तीनों का यील्ड ज्यादा मिलने के लिए कुछ ऐसा रिलेशन रह सकता है क्या, यानी कि प्लांटिंग डिस्टेंस कम ज्यादा करने से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे कि सनलाइट, उसका प्रॉपर यूज होने के लिए और यील्ड बढ़ाने के लिए उसका कुछ तीनों का, यानी कि मैं बोल रहा हूँ प्लांटिंग डिस्टेंस, width of that stem and number of leaves. इसके बारे में मेरा सीधा जानकारी नहीं है, मैं आपको इसको थोड़ा रिव्यू करके थोड़ा सा देख के मैं आप लोग आपको दोबारा बताऊंगा. यस सर प्लीज हाँ, क्योंकि ये मैं आज ही आपको सिर्फ हम लोग संबंध नहीं केले में बोलिए ये शायद जितेंद्र जी का लोनारी सब कनेक्टिविटी ठीक नहीं हो रही है ना? हाँ, तो अभी जैसे देखिए ये तो आज हमारे जो साथी हैं चाहे महाराष्ट्र से हो या मध्य प्रदेश से हैं, ये एक बिगिनिंग है. तो हम लोग आपके एरिया में दोबारा आएंगे, इंडिविजुअली बात भी करेंगे, और जैसे प्रशांत जी आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हम लोग इसका थोड़ा और रिव्यू करके पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपके आपके पास आएंगे. यस सर, चलेगा सर जी. यस सर, लेकिन आज का सेमिनार बहुत अच्छा हो रहा है, वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे मिली है फार्मर लोगों को, हम जैसे ट्रेनर लोगों को. सुन रहा हूँ आपको, बताइए सर. हाँ, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सर, जितेंद्र जी डॉक्टर साहब को पूछा था क्वेश्चन, सुन रहे हैं आप? हेलो, नहीं सुन रहे हम लोग आपको. चलिए, हाँ सुन रहे हैं ना बोलिए. देखिए, हाँ, प्लांटिंग डिस्टेंस, हाँ सुनिए ना, प्लांटिंग डिस्टेंस. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ हेलो. चलिए प्रशांत जी, मेरे को लगता है शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. नहीं नहीं, अंडरपुर में कनेक्शन नहीं रहा, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है शायद. हाँ जी, तो हम लोग दोबारा आपसे बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से, है ना? तो आप सब लोग आज अपने कीमती समय देके इस वेबिनार अटेंड किए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको जैसे ही जिस समय जो क्रॉप का इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ता है उस इंफॉर्मेशन के साथ आपके आपके पास आके पूरा एग्रोनॉमी और एडवाइजरी के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं. तो मैं आप सब लोगों को यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि K+S आपके साथ जुड़ने के लिए एक मौका दीजिए. हम जैसे महाराष्ट्र में इस साल आ रहे हैं, तो पिछले साल हम लोग गुजरात में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, और काफी किसान हमसे खुश भी हैं, और हम भी उनसे बात करके कुछ चीजें हम सीखते हैं. और उनकी जैसे अभी प्रशांत जी ने जो पूछा था उसी तरह क्वेश्चंस को हम लोग जाके अपने एक्सपर्ट से बात करके फिर वापस आपके आंसर्स के साथ आना चाहते हैं. तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज इस वेबिनार अटेंड कर पाए, और आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ इसी तरह का एक्टिविटीज के साथ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ, अच्छा एग्रोनॉमिक इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ पहुंचना चाहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.